हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप? देखो, आज हमें एक नया चैप्टर शुरू करना है। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आज की क्लास समझ में आ गई तो फिर बात बन जाएगी। लिखिए रॉयल्टी। देखो, बहुत कम बच्चों को ये चैप्टर समझ में आता है लेकिन शायद हमें दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा इसको क्या करूँगा, जो स्टार्टिंग का बेस बताऊँगा उसको थोड़ा फोकस करना, फिर ये चैप्टर अपने आप बहुत सिंपल होता चला जाएगा। ध्यान दीजिए आप यहाँ पर रॉयल्टी। देखो, लिखना बंद करो आप। पहले आपको ना पहले मेरी बातें ध्यान से सुननी है, जब मैं बोलूँ तो लिखना शुरू करेंगे आप, ठीक है ना? पहले रॉयल्टी होता क्या है? देखो, मैं यहाँ लिखूँ आपके लिए। आपने नाम सुना सुल्तान चंद का? सुल्तान चंद एक बहुत बड़ा पब्लिशर है ना बच्चे? अच्छा, आपने नाम सुना संतोष कुमार का? नहीं सुना आपने? मैं हूँ, ठीक है ना? समझा मेरी बात? मैंने क्या किया, एक बुक लिखी है अकाउंट्स की, एक अकाउंट्स की बुक लिखी हुई है जो आपके हाथ में है। मैंने क्या किया जी, सुल्तान चंद से एक एग्रीमेंट किया है। मैंने सुल्तान चंद को बोला कि देखो जी, ये मेरी अकाउंट्स की बुक है, आप एक काम करो, इस बुक्स को लेके मार्केट में बेचो, जितना बिकेगा ना वो सब कुछ आपका है, इसमें कुछ मुझे भी पे कर देना, मेरी मेहनत है ना बच्चे, बुक मेरी है, मैंने काम किया हुआ है। तो सुल्तान चंद ने कहा कि ठीक है, आपने जो बुक्स लिखी है आपकी मेहनत पूरी हो चुकी है, मैं इस बुक को क्या करता हूँ कि जाके बेचूंगा मार्केट में। कौन बेचेगा जी? सुल्तान चंद। जितने बुक्स बिकेंगे उन बुक्स पे मान लो कि 5 रुपये के हिसाब से वो कहते हैं कि हम आपको पे करेंगे रॉयल्टी। किसी पे जी? बुक्स सोल्ड की बात की, जितने बुक्स बिकेंगे उनके ऊपर में कहा जा रहा है कि हम क्या करेंगे, 5 रुपये के हिसाब से पे करेंगे रॉयल्टी आपको, ठीक है ना? रॉयल्टी क्या होता है? अगर मान लो किसी का कोई राइट है, कोई लाइसेंस है ना, कोई फ्रेंचाइजी है, अगर आप उसको यूज करते हो, या किसी कोई एसेट्स है आप उसको यूज करते हो, तो उसको यूज करने के बदले में जो आप उनको पेमेंट करोगे ना, उसको क्या बोलते हैं? रॉयल्टी आपका। रिपीट करना हो, एक राइट या फिर कोई एसेट्स या कोई फ्रेंचाइजी आपने लिया है जी, तो उसके बदले में जो आप अमाउंट पे करते हो एक कंडीशन के मुताबिक, उसको क्या बोलते हैं? रॉयल्टी यहाँ पे आपका, ठीक है ना? तो मैंने जना बताओ इनको राइट क्या दिया है, मेरे अकाउंट्स के बुक को बेचने का, है ना बच्चे? तो रॉयल्टी फिक्स हो गया 5 रुपये यहाँ पर बुक सोल्ड, जितना बिकेगा। अब देखो, मैं कुछ ना अपने आप दिमाग से कुछ बातें निकालता हूँ, आप ना मेरे साथ लिखना शुरू करेंगे, लेकिन ध्यान रखना आपके रजिस्टर में अगर आपने ऐसे नहीं लिखना, आपने क्या करना, इस तरीके से लिखना है, ऐसे। ऐसे लिखने का मतलब क्या हुआ कि कई सारे कॉलम बनने वाले हैं, कम से कम 7 से 8 कॉलम तो बनेंगे ही बनेंगे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता अभी कितने बनने वाले हैं, लेकिन 7 से 8 तो पक्का बनेगा। तो स्पेस को ना प्रॉपर तरीके से आपको ऐसे करना है कि 8 पार्ट में कम से कम ही डिवाइड हो जाए और फिर आप स्पेस यूज करेंगे। लीजिए, देखो हुआ क्या कि मेरे साथ सुनते चलना, ये बात जो है ना बच्चे, मैंने सुल्तान चंद के साथ जो एग्रीमेंट किया है वो एग्रीमेंट किया है अगले मान लो 6 साल के लिए। तो चलो बताओ वो कौन कौन से हो जाएगा, मान लो 2017 हो गया, 2000 लिखिए मेरे साथ, अभी शुरू करेंगे आप, ये पहला कॉलम स्टार्ट हो रहा है, 2018 हो गया, 2019 हो गया, 2020 है ना, मान लो 6 साल का एग्रीमेंट है, 2021 एंड 2022, 1 2 3 4 5 6, ये 6 साल का मैंने एग्रीमेंट किया है जी सुल्तान चंद के साथ कि देखो जी, आप इन 6 साल में बुक्स बेचो, जितने बुक्स आप बेचोगे उसमें 5 रुपये क्या करेंगे, पर बुक हम रॉयल्टी चार्ज करेंगे। अब क्वेश्चन कहता है कि ये जो सुल्तान चंद ने मेरे बुक्स को बेचा है, बुक्स सोल्ड, मैं आपको दिखाऊं, वो कहता है कि देखो जी, हमने यहाँ पे 6000 बुक्स को बेचे, यहाँ कहता है कि आपका हमने कितना ले लो बताओ, चलो 10000 बुक्स उसने मेरे बेच दिए, यहाँ पे उसने 15000 बुक्स को बेच दिया, यहाँ कहता है कि उन्होंने 16000 बुक्स बेचे हैं, यहाँ कितना ले लो बताओ, 20000 ले लेता हूँ, और मान लो यहाँ पे क्या हुआ जी, उन्होंने 14000 बुक्स मेरे बेच दिए, कभी कम कभी ज़्यादा चलता है आपको, मार्केट है ना? तो जरा बताओ कि अगर सुल्तान चंद ने इतने इतने बुक्स बेचे हैं, तो जरा चेक करता हूँ कि जो रॉयल्टी बनेगा, जिसको मैं हमेशा कहूँगा एक्चुअल रॉयल्टी, एक्चुअल रॉयल्टी, आपको बहुत ध्यान से मेरे शब्दों को भी ध्यान देना होगा, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बशर्ते कि थोड़ा सा हमें क्या करना है, यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। जरा बताओ एक्चुअल रॉयल्टी, अरे एक मिनट, चलो बताओ सुल्तान चंद से जो मेरा एग्रीमेंट हुआ है वो पर बुक कितनी रॉयल्टी थी? 5 रुपये। तो अगर सुल्तान चंद ने 6000 बुक्स मेरे बेच दिए, तो 6000 × 5 कितना हो जाएगा बच्चे?
30,000 का अमाउंट। एक काम करो, लिख दो यहाँ पे ये एक्चुअल रॉयल्टी कैसे निकाल रहा हूँ, एट द रेट ऑफ रुपीज 5 है आपको, 5 रुपए के हिसाब से आपको, ठीक है ना। अच्छा बताओ 10,000 बुक्स पे 5 के हिसाब से कितना हो जाएगा आपका, 50,000, 50,000 का अमाउंट। यहाँ कितना हो जाएगा जी, 75,000 का अमाउंट आपका, है ना। ये कितना हो गया जरा बताओ, 80,000 का अमाउंट आपका निकल के आ रहा है। ये कितना हो गया, 1,00,000 का अमाउंट आपका निकल के आ रहा है। और ये कितना आपका हो गया यहाँ पे, कितना 70,000। ये हो गया आपका एक्चुअल रॉयल्टी, ठीक है ना, कोई दिक्कत आ रही क्या, एक्चुअल रॉयल्टी आपका। तो ये हो गया हमारा 5 रुपये के हिसाब से रॉयल्टी उनका जो निकाला आपको यहाँ पे। हो गया बच्चे सबको, यहाँ तक हो गया सबका। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, जरा बताओ ये जो बुक्स जिनकी बात उठ रही है इस पे मैं अपनी पूरी मेहनत कर चुका हूँ, है ना बच्चे। आप देखो इस बुक्स को बनाने में कितने मेहनत मैंने लगाए होंगे, कितने वर्ष लगा के बुक को तैयार किया होगा मैंने आपका, है ना। अब जरा बताओ बुक्स पे मतलब मेहनत किसने करना है, मेरी तो हो चुकी ना, बुक तो मैंने बना दिया, अब अगला किसका जी, सुल्तान चंद का। मार्केटिंग इनको करना, बेचना इनको, मुझे थोड़ा ही काम करना, फिर मैं आपको क्यों रॉयल्टी दूंगा जी, क्यों इतना काम करूंगा आपको देने के लिए। तो सुल्तान चंद से मैंने कहा था स्टार्टिंग में जब एग्रीमेंट हुआ था कि सुल्तान चंद मैंने अपना मेहनत कर लिया और आप कहते हो कि मैं आपको पर बुक 5 रुपये दूंगा पर बुक सोल्ड, लेकिन अगर मान लो कि आपने बुक्स नहीं बेचा, मतलब बुक को बेचने पे आपने मेहनत नहीं किया, तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर तो मैं परेशान हो जाऊँगा जी, क्योंकि मेरी मेहनत लग गई, आपने बुक बेचा भी नहीं तो आपका तो कुछ नहीं गया, क्योंकि इतने सारे पब्लिशर आपके पास है, सॉरी आपका ऑथर है, लेकिन मैं तो परेशान हो जाऊँगा। तो सुल्तान चंद ने मुझसे कहा था कि आप चिंता ना करो, मैं बुक्स बेचूंगा और अच्छे पैसे आप कमाओगे। मैंने कहा कि ना ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको एक मिनिमम गारंटी देना पड़ेगा कि कम से कम तो मुझे इतना मिलेगा ही मिलेगा। तो पता है सुल्तान चंद से मेरा जो एग्रीमेंट हुआ है ना बच्चे, वो हुआ है कि मिनिमम कम से कम भी जो होगा वो आपको मिलेगा यहाँ पे 40,000 का अमाउंट आपका। कितना बोला हमने, 40,000, यानी कि सुल्तान चंद ने कहा था कि चिंता ना करो, जितने बुक्स बनेंगे उन बुक्स पे 5 रुपये के हिसाब से जो रॉयल्टी बनेगा या तो वो ले लेना, या फिर मिनिमम गारंटी में कितने का देता हूँ, 40,000। ये जो 40,000 है ना, वो इस चैप्टर में बच्चे मिनिमम रेंट के नाम से जाना जाता है। मिनिमम रेंट लिखेंगे आप यहाँ पे, मिनिमम रेंट, एक एक वर्ड का बहुत सिंपल तरीके से आपको मीनिंग समझा रहा हूँ, आप उस मीनिंग को दिमाग में बैठा है, फिर कोई चैप्टर बहुत सिंपल है, सच्ची बता रहा हूँ। तो चलो बताओ मिनिमम रेंट यहाँ पे कितना आपका हो गया, 40, तो अगले साल भी कितना रहेगा, 40,000। ये तो हर एक साल की गारंटी है, ये हर एक साल की गारंटी है कि 40,000 रुपये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे कम से कम, आपको चिंता नहीं करना। इसका मतलब क्या कि अगर एक्चुअल रॉयल्टी 40,000 से कम बनता है तो जरा बताओ सुल्तान चंद मुझे कितना पे करेगा, 40,000 रुपये आपका, है ना बच्चे, क्योंकि गारंटी मिनिमम कितने की, 40,000 की आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको निकल गया। अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया, पता है मिनिमम रेंट का एक और भी नाम है, लिख दो यहीं पे ब्रैकेट में, डेड रेंट। इसको हम डेड रेंट के नाम से भी जानते हैं। एक बार तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 2 नंबर का कि भैया डेड रेंट क्या आपका होता है, डेड रेंट। तो डेड रेंट का मतलब क्या होता है जी, मिनिमम रेंट का ही दूसरा नाम बता रहा है आपका डेड रेंट यहाँ पे, ठीक है ना। चलो 40 हमारा यहाँ पे निकल के आ गया। अब देखो जरा बताओ कि अगर मैं पूछूं कि रॉयल्टी जो पेबल होगा, पेबल का मतलब क्या हो गया जी, कि सुल्तान चंद ने जो मुझे हर एक साल पे करना है वो अमाउंट कितना है। एक मिनट जरा आप ही बताना कि 2017 में एक्चुअल रॉयल्टी कितना बना, 30,000 रुपये, लेकिन मिनिमम गारंटी उसने मुझे कितना दिया है, 40। तो जरा बताओ मुझे कितना पे करेगा वो, 40 पे करेगा। ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो नर्सरी क्लास का बच्चा भी कह सकता है कि सर अगर किसी ने आपको 40 की मिनिमम गारंटी दी है तो पक्का है कि आपको उससे कम हुआ तो 40 वो पे करेगा। चलो ठीक है, अच्छा मुझे बताओ यहाँ मुझे कितना पे करेगा वो, 50,000, 50,000 रुपये का अमाउंट आपका 50,000 पे करेगा, ठीक है। जरा बताओ वो अमाउंट यहाँ कितना हो जाएगा बच्चे, 75। कुछ भी तो नहीं करना, जितने बुक्स बिके हैं उनके हिसाब से जो रॉयल्टी निकल के आया और जो मिनिमम रेंट है उससे हमें कंपेयर करना होता है, फिर जो आपका हायर अमाउंट होगा वही पे करने की बात की जाएगी। 80,000, जरा बताओ यहाँ कितना निकल के आ गया आपका, 1,00,000 का अमाउंट। और जरा बताओ यहाँ कितना हो गया मेरे बच्चे, 70,000 आपका, है ना। दिस इज कॉल्ड रॉयल्टी पेबल आपका, क्या इसका नाम दिया जाएगा, रॉयल्टी पेबल, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनना आगे कहानी, सुल्तान चंद जरा बताओ इस मिनिमम रेंट से सेफ कौन हो गया, सुल्तान चंद या मैं हो गया। कम से कम 40 तो मुझे मिलेगा यार, घर की प्लानिंग कर सकता हूँ कि हाँ मुझे पैसे खर्च करने तो कोई बात नहीं, 40 आएंगे कम से कम, ठीक है। लेकिन जरा बताओ क्या यहाँ कहीं पर भी सुल्तान चंद को नुकसान हो रहा है क्या, सर हाँ हो रहा है। 2017 में
नहीं, आप बताओ बुक्स जो उसने बेचा है उनके मुताबिक रॉयल्टी कितना बना? सिर्फ 30,000 रुपये, 30 बना ना। लेकिन जरा बताओ उसने मुझे पे कितना कर रहा है? 40,000 रुपये, क्योंकि मिनिमम गारंटी था कि इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। तो पता क्या हुआ, सुल्तान चंद ने स्टार्टिंग में मुझसे एक एग्रीमेंट किया है, और वो हमेशा होता है आपका कि देखो जी आज तो मैं आपको ज़्यादा पे कर रहा हूँ। कितना ज़्यादा पे कर रहा हूँ? 10,000। पता है ये जो 10,000 जो वो ज़्यादा मुझे पे कर रहा है ना बच्चे, इस 10,000 को इस चैप्टर में हम कहते हैं शॉर्ट वर्किंग। आपको नाम भी समझ में आएगा उसके मतलब के साथ। शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या होगा जी, कि अगर आपने कभी जितनी रॉयल्टी बनी है उससे आप ज़्यादा मुझे ले रहे हो, मुझसे ले रहे हो ज़्यादा, कितना ज़्यादा ले रहे हो यहाँ पे आप? 10,000। दैट विल बी कॉल्ड आपका शॉर्ट वर्किंग। यहाँ पे ये 10,000 का यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग हो गया, है ना बच्चे। तो शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या होता है कि जब आपका एक्चुअल रॉयल्टी जो होगा वो मिनिमम रेंट से अगर कम निकल के आ रहा तो फिर क्या होगा? शॉर्ट वर्किंग। थोड़ा सा ना इसको दूसरे तरीके समझते हैं, और जरा बताना कि जो बात बोल रहा हूँ वो जेन्युइन है कि नहीं आपका। पता है मुझे सुल्तान चंद ने क्या बोला था कि देखो जी आपका रॉयल्टी बनेगा 30, लेकिन कोई बात नहीं मैं आपको कितना पे कर रहा हूँ? 40, एज पर द गारंटी आपको जो हमने दिया हुआ है। कितना ज़्यादा पे कर दिया? 10,000। जरा बताओ 10,000 उसने आज ज़्यादा मुझे पे कर दिया, लेकिन क्या वो ऐसा नहीं कहेगा या कहना नहीं चाहिए कि ठीक है जी आज तो ज़्यादा पे कर रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में अगर कल को मान लो मिनिमम से मैं आपको ज़्यादा पे कर रहा हूँ। आप देख रहे हो मिनिमम से ज़्यादा कितना हो गया आपका यहाँ पे 10, यहाँ मिनिमम से ज़्यादा कितना हो गया? 35,000। यहाँ कितना हो गया? 40,000। तो उसने कहा कि अगर मैं आपको मिनिमम से ज़्यादा पे करूँगा, मिनिमम से ज़्यादा, तो उस केस में मैं आगे इसका एडजस्टमेंट करा लूँगा। आज तो चलो मैंने आपको 10,000 ज़्यादा पे कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन कल को अगर सपोज की आपकी जो एक्चुअल रॉयल्टी है अगर वो मिनिमम से ज़्यादा हो गया, तो ये जो आज मैं लॉस बियर कर रहा हूँ ना, आगे मैं क्या करूँगा? इसका एडजस्टमेंट कराऊँगा। मैं क्यों लॉस बियर करूँ जी? आज तो कह दो कम से कम मुझे 40 पे करो, पे करता हूँ, लेकिन कल को अगर 40 से ज़्यादा जब मैं पे करूँगा तो मैं वहाँ से क्या करूँगा? एडजस्टमेंट कराऊँगा। क्या कराऊँगा बच्चे? एडजस्टमेंट कराऊँगा। ये जो एडजस्टमेंट कराने की बात उठी ना, इस एडजस्टमेंट कराने को इस क्वेश्चन में कहा जाता है रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग जो आपका हुआ था मैं उसको क्या करूँगा जी? रिक्रूटमेंट करा लूँगा। पर बच्चे रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है जी? कि कोई बात नहीं आज जो मैंने आपको ज़्यादा पे किया आगे आने वाले वर्षों में क्या करूँगा? एडजस्ट कर लूँगा आपका, ठीक है ना। रिक्रूटमेंट जरा जरा नज़र यहाँ डालना, नज़र यहाँ, ये देखो जरा आप, जरा बताओ मिनिमम रेंट से इस साल में ज़्यादा कितना आपका हुआ? 10,000। और मुझे एडजस्टमेंट कितना करना है? तो ये पूरा का पूरा 10,000 क्या करूँगा मैं यहाँ पर जाके एडजस्ट कर लूँगा। सिंपल सी बात सुनो सिंपल लैंग्वेज में, कि आज हमने क्या किया जी? ज़्यादा आपको पे किया। आज हमने क्या किया? ज़्यादा पे किया, कोई बात नहीं आज मैं ज़्यादा पे कर देता हूँ, लेकिन कल को अगर मिनिमम रेंट से ज़्यादा आपका रॉयल्टी बनेगा तो हम क्या करेंगे? आगे उसका एडजस्टमेंट करा लेंगे। क्या ये कोई इलॉजिकल बात हो रही है? नहीं सर, बात हो रही है लॉजिकल आपका, क्योंकि ठीक है जी जो हम ज़्यादा पे कर आगे हम क्या करेंगे? उसका एडजस्टमेंट कराएंगे आपका, है ना। और इसको हमने क्या बोला? दिस इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब एडजस्टमेंट आपका होता है शॉर्ट वर्किंग यहाँ पे, ठीक है। क्या यहाँ भी कोई शॉर्ट वर्किंग हुआ था? नहीं ना बच्चे, यहाँ तो नहीं हुआ था, हमने उसका रिक्रूटमेंट करा दिया। अब फाइनली हमें निकालना है, फाइनली निकालना है कि यार रॉयल्टी पे कितना होगा, रॉयल्टी जो आपका है वो पे कितना हुआ, पे कितना हुआ। देखो जरा मैं कितना पे करूँगा, नज़र यहाँ, नज़र यहाँ, ये देखो जरा आपका, जरा बताओ पेबल इस साल में कितना था बच्चे? 40। क्या 40 में कोई एडजस्टमेंट हुआ यहाँ पे? तो कितना पे करूँगा? 40 ही पे करूँगा, है ना, बोलो ना। यहाँ देखो जरा, यहाँ देखो, यहाँ देखो, आप बताओ पेबल कितना था, लेकिन 50 में जो हमने ज़्यादा पे किया था यहाँ पे एडजस्टमेंट करा लिया, तो 50 - 10 यहाँ कितना पे किया जाएगा? 40,000 आपका। अच्छा चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो 75 पे करना था, क्या कोई रिक्रूटमेंट हुआ यहाँ पे? नहीं सर, तो कितना पे करूँगा मैं? 75 ही पे करूँगा। 80 में कोई रिक्रूटमेंट हुआ नहीं जी, तो कितना पे करूँगा? 80,000। यानी कि आगे आने वाले समय में हमने कितना करना है? जितना पेबल हुआ उतना ही पे कर दूंगा, 1,00,000 रुपये। और यहाँ कितना आपका होगा जी? 70,000। खत्म होगी बात। इस चैप्टर में क्या दम है? पूरे चैप्टर में सिर्फ इस टेबल को आपने बनाना है बस। और पूरे आपको कभी इसमें 12 नंबर मिलते हैं सॉरी कभी 16 नंबर मिलते हैं आपका, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकल के आते हैं। आप प्लीज़ इसकी कॉपी कर ले पहले। हमने क्या किया जी, एक एग्जाम्पल तैयार किया आपके लिए और एग्जाम्पल साथ साथ उसको सॉल्व भी कर दिया, है ना। हर एक चीज़ का मीनिंग पता होना चाहिए बस आपका, हर एक चीज़ का मीनिंग पता होना चाहिए। हो गया सबका? हो गया बच्चे? मैं आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ूँ मैं? ठीक है।
अब मेरी बात सुनो, मैं ना कुछ नोट लिखा रहा हूँ यहाँ पे, नोट जिस नोट को आपने आगे कैरी करना है दिमाग में, लिखो जरा नोट नंबर वन, नोट नंबर वन आपका, नोट नंबर वन लिखेंगे आप, एक्चुअल रॉयल्टी ये कैसे निकलता है बच्चे, एक्चुअल रॉयल्टी। तो आपने कहना है कि आपका रॉयल्टी जो हमने पर बुक मेंशन किया था जी, पर बुक चाहे जैसे भी क्वेश्चन बोलेगा, मल्टीप्लाइड बाय क्या निकल के आ गया, बुक्स सोल्ड, जितने बुक्स आप बेचेंगे करके आपका रॉयल्टी निकल के आ जाएगा। सर क्वेश्चन क्या हमेशा बुक्स पे होगा? नहीं बच्चे, कुछ भी हो सकता है, कोल माइन है, हम कोल माइन से कोयले निकाल रहे हैं, तो जितना कोयला निकालूंगा उसको रॉयल्टी पे किया, तो कुछ भी हो सकता है, आपको चिंता नहीं करना, ठीक है ना। अच्छा जरा लिखेंगे नोट नंबर टू यहाँ पे, नोट नंबर टू, नोट नंबर टू जरा बताओ, लिखेंगे मिनिमम रेंट क्या होता है, लिखेंगे मिनिमम रेंट इज द मिनिमम गारंटी, मिनिमम गारंटी गिवन गिवन बाय, किसने गारंटी दिया था इस क्वेश्चन में, सुल्तान चंद, सुल्तान चंद किसको जी, टू मिस्टर संतोष, है ना बच्चे। जो मुझे गारंटी मिला है, जो मुझे गारंटी मिला है उसको हम क्या बोलेंगे, मिनिमम। मैं उसी चीज़ से लिंक कर रहा हूँ जो मैंने आपको वहाँ पर लिखा था, है ना। मैं लिख दूँ यहाँ पे, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, लिखेंगे आप, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या था वो, डेट रेंट आपका यहाँ पे, डेट रेंट यहाँ पे, ठीक है ना। दो पॉइंट मैंने लिखा है आपको यहाँ पे, डेट रेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे जरा पाएंगे, थर्ड पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट रॉयल्टी पेबल, रॉयल्टी पेबल किस कॉलम की बात कर रहे हैं बच्चे आपका, रॉयल्टी पेबल किस कॉलम की बात हो रहा है, ये देखिए आप, जो नाम लिखा था रॉयल्टी पेबल, ये क्या होगा जी, हायर ऑफ मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट एंड बताएं एक्चुअल रॉयल्टी, एक्चुअल रॉयल्टी आपका, जो मिनिमम रेंट और जो एक्चुअल रॉयल्टी होगा, इन दोनों में से जो हायर होता है, बड़ा होता है, वही क्या होता है आपका रॉयल्टी पेबल यहाँ पे, ठीक है बच्चों, कोई डाउट इसके अंदर में, हाँ आप कहते हो इस तीनों नोट को मिटा दूँ मैं, नोट मिटा दूँ, ठीक है। तो रॉयल्टी पेबल आपका हो गया, मैं इसको मिटाता हूँ, लिख लिया सबने। आप जरा आ जाओ फोर्थ पे, आता हूँ फोर्थ वर्किंग पे आपके लिए, फोर्थ वर्किंग एक बार चेक करेंगे वर्किंग नोट्स में, फोर्थ पता है, जरा ये देखो कि शॉर्ट वर्किंग कब हुआ था, जरा बताओ ये कब होगा, जब मिनिमम रेंट ज़्यादा होगा कंपेयर टू एक्चुअल रेंट, लिखेंगे आप शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग विल अकर ओनली इफ मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट इज मोर देन, इज मोर देन बताइए एक्चुअल रॉयल्टी। पर बच्चे जो आपका एक्चुअल रॉयल्टी है, अगर उससे रेंट होगा तभी आपका शॉर्ट वर्किंग आपका होगा। पांचवा पॉइंट, पांचवा नजरिया, नजरिया ये देखो जरा आपका, आप बताओ रिक्रूटमेंट कब हुआ था, रिक्रूटमेंट कब हुआ था, जब आपका एक्चुअल रॉयल्टी जो है ना वो मिनिमम से क्या हो जाए, ज़्यादा आपका हो जाए, तो जितना ज़्यादा होगा वही तो रिक्रूटमेंट कर सकता हूँ, बोलो ना, यही निकल गया ना बच्चे। तो लिखेंगे आप यहाँ पे रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग मीन्स, इसका मतलब क्या होता है जी, एडजस्टमेंट ऑफ, एडजस्टमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर इन करंट ईयर, करंट ईयर आपका पिछले सालों का जो आपका शॉर्ट वर्किंग था उसका एडजस्टमेंट करना, उसको बोलते हैं आपका रिक्रूटमेंट। लिखेंगे फुल स्टॉप के आगे, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल ओनली इफ, कब जी, इफ एक्चुअल रॉयल्टी, एक्चुअल रॉयल्टी इज मोर देन, इज मोर देन बोलिए मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट आपका, है ना बच्चों, बोलो सर, हाँ जी ठीक है।
तो शॉर्ट वर्किंग कब होगा, जब मिनिमम रेंट आपका एक्चुअल रॉयल्टी से क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा, वो तो समझ गया। रिक्रूटमेंट कब हो सकता है जी, जब आपका एक्चुअल रॉयल्टी जो है वो मिनिमम से ज़्यादा, यानी कि अगर इससे ज़्यादा होगा तो ही आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये भी हो गया, अब जरा बताओ किसको मैं बताऊँ। अगला कॉलम क्या था हमारा, रॉयल्टी पेड। जरा बताओ ये कैसे निकल के आया था, ध्यान दो आप। हमने रॉयल्टी पेबल में से क्या माइनस किया था, रिक्रूटमेंट, मतलब जितना मुझे पे करना उसमें से पहले जो जो पे किया था उसको एडजस्ट करने के बाद का अमाउंट फिर क्या जाएगा यहाँ पे, रॉयल्टी पेड आपका। तो लिखिए सिक्स और लास्ट नोट यहाँ पे, आपका जगह है ना हमारे पास, फिर हाँ लिखेंगे रॉयल्टी पेड, रॉयल्टी पेड जो आपका रॉयल्टी पेड होगा ये आपका इज इक्वल टू रॉयल्टी पेबल, रॉयल्टी पेबल पेबल माइनस, बताओ क्या करेंगे इसके अंदर में, माइनस क्या करेंगे जी, रिक्रूटमेंट, जो आपने रिक्रूटमेंट किया है ऑफ शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग आप उसको जाके यहाँ पर एडजस्ट करेंगे और काम हमारा पूरा हो जाएगा। लो बात ख़त्म हो गई, ये चैप्टर ख़त्म हो गया बच्चे, ये चैप्टर ख़त्म हो गया, कुछ है नहीं अब इसमें कराने लायक। एग्जाम में पता नहीं क्वेश्चन क्यों आता है, बड़े अच्छे मार्क्स लेके जाता है बट कुछ बचा नहीं। हो गया सबको यहाँ तक, हटाओ मैं इसको आपका, अब आप घर जा सकते हैं। चलो जी बाय बच्चों, चैप्टर इतना आसान होगा है, एक्चुअली है। मैं एक अगले स्टेप पे आपको लेकर आता हूँ, फिर मैं एक स्टेप और आगे बढ़ाऊँगा, टोटल छः स्टेप में काम ख़त्म करेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। आप देखना आज जब क्लास से बाहर निकलोगे ना तो जैसे पूरी बात सुनेगा मेरा, जैसे बिल्डिंग से आप बाहर निकलोगे जबरदस्त आंधी आएगी और वो आंधी क्या करेगी, जितने लोग आपके सामने से गुजर रहे होंगे सबको गिरा देगी वो रॉयल्टी की आंधी। आप थोड़े गिरोगे, आप क्यों गिरोगे। आओ जरा लिखो मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर टू। अच्छा बताओ इसमें कितने कॉलम बने थे, कॉलम कितने बने थे, चलो मतलब हमारा अंदाजा सही था ना। तो आपको इस बार भी क्या करना, आठ कॉलम के जगह छोड़ने, आठ कॉलम का, ठीक है ना। तो ये लीजिए आपका, मैं एक एग्जाम्पल बना रहा हूँ जी, लिखेंगे आप यहाँ पे कैलकुलेट, कैलकुलेट रॉयल्टी, रॉयल्टी पेड। आपने क्या करना है, रॉयल्टी पेड निकालना है, ठीक है ना। तो ये ना हमें कॉलम के साथ ही शुरू करना है। ये लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे जी ईयर, जो ईयर कहता है आपका 2017, 2018, 2019, 2020, मैं इस पर पाँच साल की बात कर दूँ, कितने चार साल हुआ ना, एंड 2021 आपका, ठीक है जी। कहते हैं कि ये जो है आपका बुक्स सोल्ड, जो बुक्स सोल्ड हुआ है वो कहता है यहाँ पे 8,000, यहाँ कहता है कि 10,000, यहाँ कहता है कि आपका 15,000, यहाँ कहता है कि 13,000, और यहाँ कहता है आपका, बताओ कितना लिख दूँ मैं, चलो 20,000, आपकी बात मानता हूँ। कहता है कि जो रॉयल्टी, जरा बताओ इस कॉलम को हमने क्या बोला था, रॉयल्टी, ना 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 ना, एक्चुअल रॉयल्टी, ठीक है जी। वो मान लो डिसाइड किया गया है एट द रेट ऑफ रुपीज़ 10, 10 रुपये के हिसाब से, ठीक है जी, 10 रुपये के हिसाब से आपका, लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया बच्चे, ये फिल करना आपने, है ना, अभी नहीं करना, पहले सुन लो मेरी बात। अगला कॉलम कहता है कि मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट आपका, याद है ना मिनिमम रेंट का मतलब क्या बताया था जी, वो मिनिमम गारंटी जो आपको मिला है वो कहता है आपका यहाँ पे, सपोज दैट आपका कितना लिखूँ मैं, लो 1,10,000 रुपये का, 1,10,000, यहाँ भी लिखेंगे आप 1,10,000 रुपये आपका, ठीक है ना। यानी कि हर एक साल जो मिनिमम गारंटी आपको मिला हुआ है वो क्वेश्चन कहता है कि 1,10,000 रुपये का है, मतलब सुल्तान चंद ने आपके सर को कहा है कि चिंता ना करो हम आपको कम से कम हर एक साल कितना पे करेंगे, 1,10,000 रुपये का अमाउंट आपका, ठीक है बच्चों। अच्छा बताओ फिर इन दोनों से हमें यहाँ पे कंपेयर करके क्या निकालना होता है, रॉयल्टी पेबल। बस दिमाग में बैठाओ, आपको अच्छा लगेगा चैप्टर, पता नहीं बच्चे इस चैप्टर में परेशान होते क्यों हैं। रॉयल्टी पेबल, फिर याद है मैंने पता किया था कि हमारी शॉर्ट वर्किंग कितनी होने वाली है, बोलो ना, शॉर्ट वर्किंग हमने पता किया था, और फिर हमने देखा था क्या उसका रिक्रूटमेंट हो सकता है। आप मुझे बताइए कि अगर रिक्रूटमेंट होता है शॉर्ट वर्किंग का तो इससे फ़ायदा किसको होगा, मुझे या सुल्तान चंद को, सुल्तान चंद, वो बेचारा जो पहले कभी ज़्यादा मुझे पे कर चुका था, आगे क्या बोलता मैं एडजस्टमेंट करा लूँगा, यानी कि रिक्रूटमेंट आपका हो जाएगा शॉर्ट वर्किंग का, ठीक है। और लास्ट कॉलम में विल फाइंड आउट यहाँ पे एक्चुअल आपका रॉयल्टी पेड,
या मैं वही वर्ड लिखूं जो पहले लिखा था, हमने क्या लिखा था जी, रॉयल्टी पेड आपका। बार बार वर्ड चेंज करूंगा तो शायद आप परेशान हो जाएंगे, वो चाहता नहीं मैं यहाँ पे आपको। ठीक है जी, लीजिए क्वेश्चन बन के हमारा तैयार हो गया। ठीक है, मैं काम करूं आपके साथ साथ मैं भी सॉल्व करूं, मुझे भी मन करेगा करने का जी, देखता हूं मुझे कितना समझ में आया। जरा बताओ 8,000 × 10 कितना होता है? 80,000। एक्चुअल रॉयल्टी यहाँ बना 80,000 का, 10,000 × 10 यहाँ पे अमाउंट कितना आपका हो गया? 1,00,000 का आपका, 1,00,000। अच्छा बताओ 15,000 × 10 कितना हो जाएगा? 1,50,000 का अमाउंट होगा ना बच्चों। 13,000 × 10 कितना आपका हो गया? 1,30,000। और जरा बताओ यहाँ कितना हो गया? 20,000 × 10, 2,00,000 का अमाउंट। ये हमारा हो गया आपका एक्चुअल रॉयल्टी। कोई डाउट इसके अंदर में आपका? कुछ नहीं कर रहा मैं, मैंने पता किया कि यार जितने बुक्स आपके बिके हैं उनके हिसाब से रॉयल्टी कितना बना आपका। ठीक है ना, और यहाँ पे हमने क्या लिखा? मिनिमम रेट। ठीक है बच्चे, कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। अच्छा बताओ अब रॉयल्टी पेबल क्या होगा? देखो रॉयल्टी पेबल कहा था कि हायर ऑफ दिस टू, और ऐसे समझो ना बुक जो बिके हैं उनके हिसाब से 80,000, लेकिन मुझे मिनिमम गारंटी 1:10 की मिली है, तो जरा बताओ मुझे कितना मिलेगा फिर? 1:10 आपका, लिखो यहाँ पे 1,10,000 रुपये। ठीक है, अच्छा बताओ यहाँ मुझे कितना मिलेगा सेकेंड ईयर में? अगेन 1:10, क्योंकि 1,00,000 ही रॉयल्टी बना, गारंटी 1:10 की थी, तो 1:10 उसने यानी कि सुल्तान चंद ने मुझे पे करना होगा। अच्छा बताओ यहाँ कितना मुझे मिलेगा? सर 1,50,000, क्योंकि इस बार जो बुक बिके हैं वो आपका मिनिमम रेंट से ज़्यादा के बिक गए, तो ठीक है, तो फिर 1,50,000 का हमारा अमाउंट बना जी आपका। वो अमाउंट यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों? 1,30,000 रुपये। और जरा बताओ यहाँ वो अमाउंट कितना आपका हो गया? 2,00,000 का अमाउंट आपका, 2,00,000 रुपये का अमाउंट। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। अच्छा मुझे बताओ अब शॉर्ट वर्किंग कहाँ कहाँ आएगा? ये देखो आप, नहीं मैं भूल गया, जरा पढ़ना क्या लिखा था। शॉर्ट वर्किंग कब होगा आपका? जब एक्चुअल रॉयल्टी जो होगा उससे ज़्यादा होगा मिनिमम रेंट आपका, है ना बच्चे। यहाँ देखो कितना ज़्यादा दिख रहा आपका? 30। तो शॉर्ट वर्किंग आपका यहाँ पे 30,000 का अमाउंट आपका हो गया, 30,000 का अमाउंट। अच्छा बताओ यहाँ वो शॉर्ट वर्किंग कितना हो रहा आपका? 10,000 का अमाउंट आपका, 10,000 का अमाउंट। क्या यहाँ भी कोई शॉर्ट वर्किंग है? नहीं सर। तो ब्लैंक करो यहाँ पे, यहाँ भी नहीं है बच्चे, यहाँ भी नहीं है, 2 साल शॉर्ट वर्किंग है, है ना। अच्छा बताओ रिक्रूटमेंट मैं करना शुरू करता हूँ, जरा मुझे बताना, दिक्कत आएगी तो एक बार हाथ रेज करना है कि सर दोबारा बता दो। यहाँ देखो आप, ये जो 30,000 सुल्तान चंद ने मुझे ज़्यादा पे किया है, क्या ये 30,000 जरा बताओ यहाँ एडजस्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इस साल भी शॉर्ट वर्किंग हो गया। रिक्रूटमेंट तब पॉसिबल होगा, रिक्रूटमेंट तब पॉसिबल है जब एक्चुअल रॉयल्टी आपका मिनिमम से ज़्यादा हो जाए, है ना बच्चों। तो ये जो 30,000 जो है ना, जो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग हुआ था, वो यहाँ तो एडजस्टमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस साल खुद का शॉर्ट वर्किंग आपका है, एडजस्टमेंट कहाँ से करूँगा। चलो कोई बात नहीं, फिर कब करूँगा आगे देखूँगा जी। अच्छा यहाँ हो सकता है क्या सर? हाँ, कितना हो सकता है? एक मिनट, ना मैं बात करूँगा मैं। जरा बताओ मिनिमम रेंट से ये ज़्यादा कितना है? यानी कि इस साल में 40,000 रुपये तक रिक्रूटमेंट करना हमारे पास अलाउड है, कर सकता हूँ रिक्रूटमेंट आपका 40,000 रुपये तक। क्या 40,000 रुपये हमें टोटल है रिक्वायरमेंट? सर कितना हुआ ये जी? 30। तो मैं क्या करूँगा, ये पूरा का पूरा 30 दोगा, वो यहाँ पे जाके एडजस्ट कर लूँगा। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। ठीक है, एक मिनट, अरे कितना मैक्सिमम कर सकता था मैं? 40। कितना किया अभी तक आपका? 30। अभी और कितना कर सकता हूँ? 10। क्या और 10 करने हैं सर? हाँ, इस साल के तो नहीं लेकिन अगले वाले करने हैं, तो कोई बात नहीं, इस 10 को भी यहाँ पे कर लो जी, आपका अलाउड तो है आपको करने के लिए यहाँ पे। अगर इस साल नहीं हो पा रहा तो फिर मैं क्या करता? अगले साल करता आपका। अरे कोई बात ही नहीं समझने वाली यहाँ पे, कॉमन सेंस है आपका। तो बताओ ये 30 ही करो कि इस 10 को भी यहाँ पे लिख दूँ मैं? सर ये भी लिख दो, क्योंकि टू द मैक्सिमम यहाँ 40,000 का रिक्रूटमेंट अलाउड आपका है, तो पूरे 40 यहाँ पे करूँगा। सर क्या एग्जाम में ऐसे में एरो दिखाना है? नहीं बच्चे, ये तो आपको समझाने के लिए बता दिया, आप सीधे क्या लिख देना 40,000, कोई मार्क्स नहीं कट सकता। ठीक है, क्या आगे कोई रिक्रूटमेंट करना आपने? नहीं करना सर आपका, नहीं करना। अब निकाल दो रॉयल्टी पेड, जरा बताओ यहाँ देखो पेबल कितना था? देखो जरा हमने रॉयल्टी पेड के बारे में क्या लिखा था, पेबल में क्या माइनस करो आप? रिक्रूटमेंट विल गेट पेड आपका, तो 1:10 में माइनस कितना हुआ? नील। कितना पे करूँगा? 1,10,000 रुपये का अमाउंट। अच्छा बताओ 1:10 में यहाँ कितना माइनस किया? कुछ भी तो नहीं सर, तो 1:10 का अमाउंट आपका यहाँ पे। अच्छा बताओ यहाँ देखो 1:50 में कितना माइनस किया आपने? 40। कितना बच गया आपका? 1,10,000 का अमाउंट। ठीक है, यहाँ जरा देखो 1:30 में माइनस कितना किया? 0। कितना पे करूँगा? 1:30 का अमाउंट। और चलो बताओ ना लास्ट वाले में कितना हो जाएगा? 2,00,000 का अमाउंट। लो काम खत्म हो गया।
मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं कि इससे टफ क्वेश्चन ना कभी आज तक बना ना कभी बनेगा। ये बहुत गंदा क्वेश्चन मैंने करा दिया है ना, बहुत गंदा क्वेश्चन आपका। चलो सर आप ऐसे मजाक कर रहे हो, क्वेश्चन एग्जाम में टफ आते होंगे, आप कहते हो कि यही टफ है यही टफ है, और आपसे बेवकूफ़ बना रहे हो। नहीं बच्चे, बेवकूफ़ थोड़े बनाने के लिए बैठा हूँ। आप एक काम करो, अगर विश्वास नहीं है तो बुक में आ जाओ ज़रा, और ज़रा चेक करो बुक में आपका यहाँ पे रॉयल्टी चैप्टर निकालेंगे आप, रॉयल्टी चैप्टर आपका चेक करेंगे जी। कौन सा नंबर है, थोड़ा इंडेक्स, हाँ इंडेक्स गलत हो गया है, कोई बात नहीं, ज़रा देखते हैं। 9 पॉइंट हर एक बुक में अलग अलग होता है जी, इंडेक्स आपका देख के बात करेंगे हम लोग। चेक कीजिए आप, क्वेश्चन नंबर वन आप चेक करेंगे रॉयल्टी पेड के अंदर में आपके बुक का क्वेश्चन नंबर वन मिल गया सबको, बोलो ना मिल गया बच्चे। ध्यान सुनना क्वेश्चन क्या बता रहा। कहता कि कॉन्सेड कॉलरली टुक अ लीज ऑफ अ माइन फ्रॉम बिग कंपनी फॉर ए पीरियड ऑफ 30 ईयर्स। 30 साल के लिए आपने क्या किया है, यहाँ बुक नहीं है, एक बुक पास करो ना, कहाँ गए, कितने बुक्स हैं वहाँ पे पीछे में, एक बुक यहाँ पास करो प्लीज। बुक लेकर क्यों नहीं आती लड़की, तो उसको क्यों दी अपनी बुक, जो बोलूँगा वही करेगी, अपना दिमाग नहीं है, बुक दूसरे को बांटती, अपना बांटती दूसरे को। ध्यान देगी यहाँ पे, देखेगा जी सौरभ मेरे चेयर पर बैठ कर। कॉन्सेड कॉलरी कहता है टूक अ लीज ऑफ अ माइंड फ्रॉम बिग कंपनी फॉर ए पीरियड ऑफ 30 ईयर्स फ्रॉम 1 जनवरी 1995। 30 साल के लिए यहाँ पे क्या वजह लीज पे दिया गया है। माइन का मतलब क्या होता है, कोल माइन, पता है ना आपको। कहता कि अपन ए टर्म ऑफ रॉयल्टी ऑफ 50 पैसे पर टन अपन द आउटपुट, मतलब जितना आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन करोगे, जितना कोल निकालोगे, हम उस पर 50 पैसे पर टन आपसे क्या करेंगे जी, रॉयल्टी चार्ज करेंगे विथ ए मिनिमम रेंट ऑफ 10,000। ओह मिनिमम रेंट का मतलब क्या था आपका, मिनिमम गारंटी कितने की देगी, 10,000। लेकिन ध्यान से क्या बोल रहा है, इन द फर्स्ट ईयर ये मिनिमम गारंटी 10,000 होगा, वो पहले साल में होगा, देन इंक्रीजिंग एवरी ईयर बाय 1,000। ये 10,000 रुपये जो था ना बच्चे, वो बढ़ना शुरू होगा, अगले साल कितना हो जाएगा 11, फिर कितना होगा 12, फिर कितना होगा 13, कहता है टिल इट रीचेस टू 13,000। अच्छा यानी कि इस बार क्या हो रहा है, मिनिमम रेंट में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है बच्चे, पहले कितना बता रहा 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, और कहता है फिर 13 पर फिक्स हो जाएगा, यानी कि आगे आने वाले वर्षों में 13,000 रहेगा। कॉन्सेड कॉलरी कंपनी वॉज ग्रांटेड द राइट ऑफ रिकूपिंग, एक मिनट क्या बोलता है कि एक रिकूपमेंट का जो राइट होगा जी, ऑफ शॉर्ट वर्किंग ऑफ एनी ईयर इन द सबसिक्वेंट 3 ईयर्स एंड नॉट आफ्टरवर्ड। ये क्या कह दिया इसने, अरे जरा बताओ क्या हमने ऐसी कोई बंदिश डाली थी, नहीं, हमने क्या बोला था कि भैया रिक्रूटमेंट आगे कर लेना, बट ये कहता है कि ना अगर आपने रिक्रूटमेंट करना है तो जिस साल में शॉर्ट वर्किंग होगा उसके आगे के 3 वर्षों में ही आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो। यानी कि इस क्वेश्चन के मुताबिक ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पर लिंक करूँ तो सुल्तान चंद ने मेरे साथ एग्रीमेंट किया है, मैंने सुल्तान चंद को कहा है कि देखो जी आज जो आपने 30,000 मुझे ज़्यादा पे कर दिया ना, ये आगे आने वाले वर्षों में क्या करना एडजस्ट कर लेना, लेकिन एडजस्टमेंट तभी अलाउड है जो अगले 3 साल में हो पाए, 3 साल से बाद नहीं। अगर 3 साल तक में भी रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया तो फिर आगे रिक्रूटमेंट अलाउड नहीं करूँगा। इसका मतलब क्या जी, मान लो एक बात करता हूँ ऐसे ही कि 30,000 रुपये में 1, 2, 3 अगर इस 3 साल में मान लो 25,000 रुपये का ही रिक्रूटमेंट हो पाया तो क्या बाकी के 5 में अलाउ कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, तो सुल्तान चंद को घाटा हुआ कि फ़ायदा हो गया, घाटा हो गया, लॉस हो गया बच्चे, क्योंकि 30 जो मुझे उसने ज़्यादा पे किया था ना, उसने 25 का तो एडजस्टमेंट करा लिया, 5 का मैं कहता हूँ कि अलाउड ही नहीं है, तो फिर क्या हो गया, उसको लॉस हो गया। ठीक है, फिर लॉस का क्या करेंगे देखेंगे बाद में, अभी क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। और क्या बता रहा जी आपका, कहता कि फॉलोइंग वॉज द प्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट 5 ईयर 95 से लेके आपको 99 तक बता रहा जी। इतना बोलता है कि एंट्रीज पास करो, लास्ट टाइम पढ़ना क्वेश्चन का, सो जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कॉन्सेड कॉलरी कंपनी व्हेन देयर इज नो मिनिमम रेंट अकाउंट। मिनिमम रेंट अकाउंट क्या होता है बाद में छोड़ो, एंट्रीज भी पूछ रहा है। क्या मैंने आपको अभी तक एंट्री सिखाया है, नहीं सिखाया, हम सीख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, हो तो बहुत सिंपल सा काम होता है। पहले काम करता हूँ मैं, पहले इस टेबल को आपको समझाऊँ, लीजिए मैं स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ कि क्वेश्चन में क्या सच्ची में बहुत टफ है या फिर हमारा दिमाग इतना डेवलप हो चुका है कि इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते थे। ये लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। आप लिखो ना मेरे साथ यहाँ पे, सॉल्यूशन कर रहे हैं आप, सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। 2 एग्जांपल कराया बच्चे,
है ना। अब मैं एग्जाम की बुक के क्वेश्चन पे आता हूँ। लिखेंगे मेरे साथ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ रॉयल्टी रॉयल्टी पेड, यही निकालना ना बच्चों, बोलो ना, यही निकालना ना हमने। अच्छा जरा बताओ हमने कॉलम कितने बनाए थे अभी तक। अब ना एक काम करना, एक कॉलम और बढ़ा देना, मतलब जगह कितना छोड़ेंगे, 9 कॉलम का। क्यों अभी समझ में आपको आ जाएगा, जैसे जैसे बोलूँगा थोड़ा थोड़ा कौन से बढ़ाऊँगा ताकि आपको परेशानी ना हो। तो जरा देखो मैं क्या करने वाला हूँ, एक तो हमने लिखा यहाँ पे ईयर, जरा पढ़ के बताओ कितने ईयर हैं, 2, 4, 5, 95, 96, बहुत पहले एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये, 97, 98 और फिर पाँचवा क्या बता रहा जी, 99 आपको, है ना बच्चों। अच्छा बताओ यहाँ पे जो प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्शन मतलब जो निकले हैं कोयले, वो कितने कितने टन निकाले गए हैं पहले साल में, 3000 टन, है ना। अगले साल में कितना बता रहा वो, 18000 टन, फिर कितना बता रहा है, 24000 टन। अच्छा फिर कितना बता रहा है, 30000 टन आपका, और अगले साल में कितना हो गया आपका, 32000 टन, इतने कोयले निकाले गए। एक बार चेक करूँ मैं कि इसके मुताबिक जो एक्चुअल रॉयल्टी बनेगा, आप वर्ड नहीं छोड़ना, हमेशा हमने क्या करना, इन्हीं वर्ड से इनको समझना है, चाहे एग्जाम में कुछ भी करें। जरा बताओ एक्चुअल रॉयल्टी कितना बनने वाला है, अरे पर टन रॉयल्टी कितना था बच्चे, 50 पैसे, तो बताओ ना 50 पैसे के हिसाब से कितना हो जाएगा, 1500, है ना, 3000 ही टन तो निकाला। अच्छा यहाँ वो अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चों, 9000, और यहाँ कितना आपका हो जाएगा, 12000, फिर यहाँ बताइए 15000, और एट लास्ट यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 16000। क्लियर है यहाँ तक आपका, है ना, ठीक है। एक बार हमें क्वेश्चन में फिर जानना पड़ेगा कि हमारा मिनिमम रेंट कितना है। आपको याद है मिनिमम रेंट का एक नाम मैंने और भी आपको दिया था, डेड रेंट आपका, कभी कभी एग्जाम में डेड रेंट कहेगा तो आपको परेशान नहीं होना, यानी कि वो मिनिमम रेंट का है, दूसरा नाम कह रहा है आपका, ठीक है ना। कितना बता रहा वो, कहता कि ये मिनिमम रेंट पहले साल में कितना होगा जी, 10000, अगले साल कितना हो जाएगा, 11000, फिर कितना हो जाएगा, 12000, और फिर बताओ 13, और कहता है कि देन इट विल रिमेन फिक्स्ड आपका एट 13000, यानी कि अगले साल का भी 13000, ठीक है ना। हमने ये भी काम पूरा किया आपका, एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट आपका, कोई डाउट इसके अंदर में, नहीं सर। अब मुझे जरा बताओ अगला कॉलम किसका तैयार करना है, हाँ जी रॉयल्टी पेबल, हमें चेक करना है कि रॉयल्टी पेबल हमारा कितना है, पेबल आपका, आपको तो याद ही है मैंने कहा था कि इन दोनों में से जो बड़ा अमाउंट होगा वही पेबल होगा, तो बताओ पहले साल में कितना आ गया, 10000, ठीक है, अगले साल में 11000, अगले साल बताओ, अरे ये क्या दोनों बराबर हो गया, तो कोई बात नहीं 12 ही तो होगा, इसमें चिल्लाना क्या है, अरे हायर कहा था, ये भी हायर, दोनों हायर हो गया तो 12 ही हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा बताओ, 15000 रुपये, और यहाँ कितना, 16000। लो हमने रॉयल्टी पेबल भी निकाल दिया, ठीक है जी, रॉयल्टी पेबल हो गया। अब हमें क्या करना है, पता करना होगा यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग, मैं थोड़ा जगह बचाना चाहता हूँ, एक्चुअली मुझे एंट्री भी आपको सिखाना है, तो आप ना एक काम करना, इसे मिटाना नहीं आपका, ठीक है, मैं थोड़ा जगह कम करूँगा इसको, बात हमारी जगह कम है ना, एंट्री भी मुझे दिखाना है, आप नहीं मिटाना आपका, ठीक है, मैं इसको थोड़ा और कम जगह में लेकर आता हूँ, आप समझ में नहीं मजबूरी, मुझे एंट्री भी दिखाना है। मैंने यहाँ क्या लिखा था मैं भूल गया जी, मिनिमम रेंट यहाँ कितना था, 10000, फिर कितना था, फिर कितना था, फिर कितना था, और फिर इतना फास्ट कैसे बता दे रही लड़की, हाँ ठीक है। अच्छा फिर हमने यहाँ लिखा था पता है क्या, रॉयल्टी पेबल आपका, जरा बताओ पहले साल में कितना था, अब क्यों नहीं बोलती, 10000, अगला बताओ 11000, फिर बताओ 12000, अरे ये तो दोनों बराबर है बट क्या फर्क पड़ता है, बताया तो था मैंने हायर का मतलब वही होगा जो है आपका, यहाँ कितना हो जाएगा, और यहाँ बताओ, ठीक है लो हमारा यहाँ पे रॉयल्टी पेबल हो गया। फिर हमने यहाँ पे एक कॉलम बनाया था आपका शॉर्ट वर्किंग का, मैं शॉर्ट वर्किंग को भी थोड़ा शॉर्ट में लिखूँगा, शॉर्ट वर्किंग, है ना, याद है, जरा बताओ पहले साल में कितना शॉर्ट वर्किंग, 8500, है ना बच्चे, ये देखो यहाँ कितना हो जाएगा, 2000, क्योंकि एक्चुअल बना 9,
मिनिमम 11 है, तो 2000 का यहाँ पे हो गया शॉर्ट वर्क। जरा बताओ यहाँ कितना हुआ? कुछ भी नहीं आपका। यहाँ कितना हुआ? कुछ भी नहीं। यहाँ कितना? कुछ, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग तब होगा जब आपका एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम से ज़्यादा होगा, ठीक है ना बच्चे? अच्छा, अब ये शॉर्ट वर्किंग जो है, हमने उसका दिखाना है कि रिक्रूटमेंट आपका कितना होगा, रिक्रूटमेंट, ठीक है ना? जरा सुनो मेरी बात, पहले बताओ रिक्रूटमेंट कितने साल तक अलाउड है? देखो मैं कैसे काम करूँगा, ये देखो, ये रहा पहला शॉर्ट वर्किंग, इसके लिए मेरे बच्चे हमारे पास 3 साल है। बताओ 3 साल कहाँ कहाँ जाएगा? इसकी बात करो, इसको मत देखना, इसकी बात करना। इसके लिए पहला साल ये हुआ, दूसरा साल ये हुआ, तीसरा साल ये हुआ, हर एक का अलग अलग 3 साल काउंट किया जाएगा। तो ये जो 8500 है वो अगले 3 साल तक, यानी कि यहाँ तक हो सकता है, देखता हूँ कितना होगा। क्या यहाँ कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यहाँ खुद ही शॉर्ट वर्किंग है, तो रिक्रूटमेंट कहाँ से करूँगा? अच्छा बताओ क्या यहाँ पर हो सकता है? नहीं सर, रिक्रूटमेंट यहाँ पर नहीं, क्योंकि दोनों बराबर है। कब रिक्रूटमेंट हो सकता है? जब एक्चुअल रॉयल्टी आपका मिनिमम से ज़्यादा होगा, तो ठीक है, यानी कि 85 में यहाँ भी कुछ रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया। क्या इस 85 से यहाँ कुछ होगा? सर हाँ, आप देखो ना, ये देखो कितना ज़्यादा हो सकता है बच्चे, 2000, तो 85 में 2000 का यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो गया। यही हुआ ना आपका? मेरी बात सुनो, आप मुझे बताओ कि इस साल में मुझे ज़्यादा कितना पे किया गया था? 85, लेकिन उस 85 में से 3 साल में एडजस्टमेंट कितना हो पाया? 2000। तो जरा बताओ कि अब अगर मैं सुल्तान चंद की ही बात करूं, क्योंकि दिमाग में सुल्तान चंद फिगर आपके पास है, 8500 जो उसने मुझे ज़्यादा पे किया था, उनमें से 2000 का उसने एडजस्टमेंट करा लिया, क्या 6500 वो और एडजस्ट करा पाएगा? नहीं करा पाएगा। तो जरा बताओ उसको घाटा हुआ कि फ़ायदा हो गया? लॉस हो गया बच्चे, घाटा हो गया। और ये सारे लॉस जो है ना, जो घाटे हैं, वो ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एक कॉलम और बनेगा आपका। मतलब अगर जो हमने कुछ ज़्यादा आपको पे किया था, अगर वो अमाउंट आगे आने वाले वर्षों में एडजस्ट नहीं हो पाया, तो सुल्तान चंद को क्या घाटा हो गया जी? तो वो घाटा कितना हो गया बच्चे? 65 कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट। सर इसका क्या मतलब होता है? अभी मैं आपको एंट्री में समझाऊंगा, लेकिन इतना फिर समझना कि यार जितना ज़्यादा पे किया गया था, आखिर वो पूरा एडजस्ट नहीं हो पाया, तो बाकी क्या होगा जी? उस सुल्तान चंद को लॉस हो जाएगा। ये पता है ये किसके लिए बना रहा हूँ मैं? ये बना रहा हूँ सुल्तान चंद के लिए, कि आखिर उसको क्या घाटा क्या फ़ायदा हो रहा है, कितना उसने पे, वो उसने ही पे किया ना बच्चे, रॉयल्टी किसने पे किया था? सुल्तान चंद। तो सुल्तान चंद मुझे यहाँ ज़्यादा पे कर चुका है, 2000 तक का एडजस्टमेंट हो पाया, आखिर लॉस हो गया, चला गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो उसको। अब यहाँ देखो जरा, इसकी बात करता हूँ, 2000। आप बताओ इसके लिए भी हमारे पास कितने समय है? 3 साल। तो इसका 3 साल काउंट करना, 1 साल ये, 2 साल ये, और तीसरा साल आपका ये। क्या इस 2000 का रिक्रूटमेंट करने के लिए आप यहां देखोगे? क्या यहां देखोगे? नहीं सर, क्योंकि जितना होना था वो हो चुका, तो सिर्फ एक ही साल तो देखना है यहां पे आपका, एक ही साल देखना आपका, ध्यान देना, ही लेना वो। एक बार जरा चेक करो यहां, अरे रिक्रूटमेंट करना कितना था बच्चे? आप बताओ यहां पे मैक्सिमम कितना कर सकता हूं? 3000 रुपये आपका, 3000 तक का रिक्रूटमेंट आपका यहाँ पे, वो हिल रहा कैमरा, सब काम खराब हो जाएगा मेरा, समझ गया बदमाश? 3000 तक का यहाँ पे क्या है आपका? अलाउड है। सुनो मेरी बात, तो बताओ 3000 का रिक्रूटमेंट कर दूँ मैं? नहीं सर, कितना कर सकता हूँ? 2। तो हमने क्या किया, ये एक काम करता हूँ, एरो से दिखा दूँ, इसमें से यहाँ पे एडजस्टमेंट हुआ और बाकी कहाँ चला गया? प्रॉफिट लॉस में। ये एरो सिर्फ आपके लिए, एग्जाम में नहीं दिखाना। अच्छा ये 2000 का रिक्रूटमेंट फिर कहाँ पे आपका हुआ? यहाँ पे ये आपका रिक्रूटमेंट चला गया 2000 का। क्या सुल्तान चंद को इसमें भी कुछ लॉस हुआ बच्चे? नहीं सर, क्योंकि ये जितना ज़्यादा पे किया था आगे एडजस्ट हो गया, कोई यहाँ पे लॉस नहीं हुआ, खत्म होगी बात आपका। ये हमने कॉलम सारे कंप्लीट कर लिए, ठीक है, हो गया सबको यहाँ तक? हो गया ना। लास्ट कॉलम क्या रेडी करना बताइए? रॉयल्टी पेड आपका, रॉयल्टी, मुझे जगह बताना था ना, मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख देता हूँ, आप लिखिए रॉयल्टी पेड, रॉयल्टी पेड आपका। अब देखो ना पे कितना होगा, नज़र यहाँ जरा देखो रॉयल्टी पेड, अरे जरा बताओ पेबल कितना था यहाँ पे? 10000। क्या इस 10000 में कोई रिक्रूटमेंट हुआ आपका? नहीं सर, तो पे कितना किया जाएगा? 10000 का अमाउंट, ठीक है ना। अच्छा जरा यहाँ देखो, 11000 रुपये का जो पेबल था, क्या कोई रिक्रूटमेंट हुआ? नहीं सर, तो कितना पे किया जाएगा? 11000 रुपये, 11000। 12000 में कोई रिक्रूटमेंट नहीं है, पे कितना किया जाएगा? 12000। अच्छा मुझे बताइए 15000 में, नज़र यहाँ, 15000 में कितना रिक्रूटमेंट हो गया? 2000। तो पे कितना किया जाएगा? 13000।
अच्छा बताओ यहाँ 16,000 में कितना रिक्रूटमेंट हुआ, टू, कितना पे किया जाएगा, 14,000, खत्म होगी बात आपकी, है ना। तो ये आपने क्या किया, पूरा का पूरा फॉर्मेट रेडी किया, ये स्टेटमेंट ही इस क्वेश्चन में सब कुछ है, क्योंकि आगे जो एंट्रीज भी पास करनी है वो एंट्रीज भी इसी के ऊपर बेस्ड आपका होगा, है ना, सब कुछ यहीं से निकल के आपको आएगा। कोई डाउट इसके अंदर में आपका? नहीं सर। तो ठीक है, मैंने क्या किया, ये काम पूरा किया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपका मान लो 12 मार्क्स का होता है, तो इतने काम करने के आपको मिल जाएंगे 8 मार्क्स, ये काम मेन आपका निकल के आता है। चार नंबर के लिए अब हमें क्या करना होगा, जी एंट्रीज पास करना होगा। आओ एंट्री पर दिखा दो। चलो एक काम कीजिए, एक काम करते हैं, मैं एंट्रीज यहाँ से शुरू करता हूँ ताकि पूरा सिक्वेंस आपको दिख जाए। लिखो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, लेकिन किसके बुक में, इन द बुक ऑफ, जरा बताओ यहाँ पे रॉयल्टी कौन पे कर रहा है? नहीं बदमाश, समय सुल्तान चंद ही बोलेगा, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। कॉन्सिट कॉलरी, है ना बच्चे, क्योंकि इसने लीज पे लिया माइन आपका, है ना। तो इन द बुक ऑफ आप कर रहे हो कॉन्सिट कॉलरी, ठीक है ना, इनके बुक में हम क्या कर रहे हैं, एंट्रीज पास कर रहे हैं। एंट्रीज मैं पहले आपको दिखा रहा हूँ 1995 की एंट्री, आपका 1995 की एंट्री। थोड़ी सी परेशानी आएगी बट आगे जैसे ही बढ़ूंगा समझ में आ जाएगा, इसलिए पेशेंस वाइज मेरी बात को सुनेंगे। मैं 95 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 95 में, जरा बताओ 95 में, नज़र यहाँ, नज़र यहाँ, आप देखो 95 में एक्चुअल रॉयल्टी कितना बना था बच्चे, 1500, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, 1500 ही तो रॉयल्टी बना था। लेकिन मुझे बताओ कि हमने, यानी कि कॉन्सेट ने रॉयल्टी पे कितना करना है, जिस कॉलम की बात करूंगा उस कॉलम पे ध्यान देंगे। रॉयल्टी बना कितना था, 1500, लेकिन एग्रीमेंट के मुताबिक मुझे पे कितना करना है, 10,000। देखो मैं क्या एंट्री करूंगा, 95 में पहली एंट्री जो पास करूंगा उसमें रॉयल्टी डेबिट करूंगा, रॉयल्टी डेबिट करूंगा, कितने से आपका जी, सिर्फ 1500 रुपये, ना ना ना, रॉयल्टी, रॉयल्टी का मतलब होता है बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, जो हमने प्रोडक्शन किया, जो कोयले हमने निकाले उसके मुताबिक रॉयल्टी कितना बना आपका, 1500, वो 1500 ही डेबिट करूंगा। लेकिन मेरे बच्चे थोड़ा सा गैप छोड़ के लिख रहा हूँ टू, जरा बताओ हमने ये किससे लिया था, माइन किससे लिया हुआ है, बिग कंपनी से, है ना बच्चे। तो जरा बताओ कि 1500 रुपये का ही हमने क्या किया जी, कोयला निकाला, लेकिन मुझे बताओ एग्रीमेंट के मुताबिक बिग कंपनी को मुझे अमाउंट कितना पे करना है, रिपीट कर रहा हूँ, मेरे शब्द को ध्यान सुनो, कितना पे करना है, कितना पे किया उनकी बात नहीं कर रहा, जो पे करना पेबल की बात करो, कितना, 10,000। तो 10,000 रुपये क्या हुआ जी यहाँ पे आपका लिखा हमने। अब देखो अच्छा भी लगेगा आपको सुनने में जैसे मैं इंटरप्रेट करूँगा, पता है कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, वो कहता है कि देखो जी रॉयल्टी तो 1500 रुपये बना, लेकिन मैं आपको कितना पे कर रहा हूँ, 10,000 रुपये, कितना ज़्यादा पे कर रहा हूँ, तो ये 8500 जो मैं आपको ज़्यादा पे कर रहा हूँ ना, ये एक तरीके का मेरा लॉस है, जिसको हमने क्या नाम दिया, शॉर्ट वर्किंग आपका। आज मैं आपको, चलो कोई बात नहीं, एग्रीमेंट है तो मैं इतना ज़्यादा पे कर दे रहा हूँ, देखो देखो अच्छा सुनो सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो कहता है कॉन्सेप्ट कि आज मैं आपको ज़्यादा पे कर दे रहा हूँ, लेकिन ये आगे आने वाले वर्षों में क्या करूँगा, एडजस्टमेंट कर लूँगा। हाँ, अगर 3 साल तक एडजस्टमेंट ना कर पाया तो मेरा लॉस हो जाएगा, फिर मैं कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो आज हमने क्या किया, ये अमाउंट आपका दिखाया, नरेशन लिखिए, बीइंग रॉयल्टी, बोलो क्या लिखूँ मैं, पेड या पेबल, ये किसकी एंट्री थी, पेबल की बच्चे, हमने ड्यू किया कि ठीक है जी हम आपको 10,000 का पेमेंट करेंगे आपका, हो गया सबका, हर एक एंट्री का मीनिंग समझना पड़ेगा तब आपको मजा आएगा। नंबर टू, अगली एंट्री, नज़र यहाँ, ये देखो जरा, अच्छा मुझे बताओ बिग कंपनी को मुझे कितना पे करना है, 10, जरा यहाँ देख के बताओ टेबल को कि रॉयल्टी पे कितना किया हमने, देख रहे हो आप यहाँ पे, यहाँ कितना पे किया हमने, 10। अगली एंट्री क्या करूँगा, बिग कंपनी को हटा दूंगा क्योंकि मैं अब इनको पे कर रहा हूँ, बिग कंपनी जिसको मुझे 10,000 पे करना था मैंने क्या किया आपको डेबिट कर दिया 10,000 और पे कर दिया ना, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, टू बैंक अकाउंट, कितना मेरे बच्चे, 10,000 पे कर दिया, लिख दो यहाँ पे बीइंग रॉयल्टी क्या बोलेंगे आप इसको, पेड, हमने पे कर दिया, हमने पे करने की एंट्री यहाँ पे कंप्लीट कर ली, ठीक है ना, कोई डाउट इसके अंदर में, नहीं सर। तो हमने पे कर दिया आपका, ये भी काम खत्म हो गया। थर्ड एंट्री पे आता हूँ, थर्ड एंट्री यहाँ पे, जरा जरा इसको देख के बताओ,
यहाँ देखो जरा यहाँ इस दो एंट्री को कि आपने जो प्रोडक्शन किया है उस प्रोडक्शन पे एक्चुअल रॉयल्टी कितना बना है, 1500 रुपये आपका है ना बच्चे। पता है आप कॉस्टिंग पढ़ेंगे, कॉस्टिंग में एक चैप्टर आएगा प्रोसेस कॉस्टिंग, थोड़ा सा वहाँ से लिंक है, पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। पता है वो चैप्टर क्या बोलता है, इवन अकाउंट्स में क्या बोलता है कि ये जो रॉयल्टी है ना बच्चे, क्योंकि ये प्रोडक्शन पे है तो इस 1500 रुपये को आपने क्या करना है जी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है जहाँ पे हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन के खर्चे आपको है ना। तो आपने क्या करना होगा, ये जो आपका रोल कितना रॉयल्टी बना था जी आपका 1500 रुपये, ये 1500 का जो एंट्री है बच्चे साल के एंड में क्या करना होगा आपको, ट्रांसफ़र करना होगा प्रोडक्शन अकाउंट में। यानी कि आपने क्या किया, प्रोडक्शन अकाउंट को आप डेबिट करेंगे एंड टू आप बोलेंगे रॉयल्टी। फिर कितना रॉयल्टी, वही जो एक्चुअल बना था कितना बना था जी, 1500 रुपये का अमाउंट आपका। सर ये एंट्री समझ में नहीं आया, अभी समझाता हूँ, लिखो यहाँ पे एक्चुअल रॉयल्टी, नरेशन इसका लिखेंगे एक्चुअल रॉयल्टी ट्रांसफर टू, ट्रांसफर्ड टू प्रोडक्शन अकाउंट। चलो मैं इसका मीनिंग भी अब आपको समझा देता हूँ है ना, यहाँ पे हम क्यों रुकेंगे। आपको याद है आपने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है कि हम पूरे साल में पे करते हैं रेंट, सैलरी, कमीशन पे करते हैं ना बच्चे, वो एंड में हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। आप वेजेस पे करते हैं, वो वेजेस एंड में कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं ना। उसी तरीके से क्या होता है कि रॉयल्टी जो है ये भी प्रोडक्शन के खर्चे हैं, प्रोडक्शन का आपका, तो प्रोडक्शन पे जो खर्चे होगा वो कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। यानी कि आप चाहो तो यहाँ क्या लिख दो, आप ट्रेडिंग अकाउंट, या क्या लिख दो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, या क्या लिख दो प्रोडक्शन अकाउंट, आपकी मर्जी। बट क्योंकि रॉयल्टी एक्चुअली कॉस्टिंग चैप्टर से जुड़ा हुआ है तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, प्रोडक्शन अकाउंट। आप ट्रेडिंग अकाउंट लिखोगे तो भी कोई मार्क्स नहीं काट सकता, क्योंकि खर्चे क्या हो रहा है जी, प्रोडक्शन पे खर्च कर रहा हूँ मैं, प्रोडक्शन के सारे खर्चे कहाँ चले जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन लेकिन क्योंकि ये कॉस्टिंग से जुड़ा हुआ चीज़ है बच्चे, इसलिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन अकाउंट लिखेंगे। आप देखेंगे कि आपके स्टडी मटेरियल में कहीं कहीं लिखता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, तो क्या वो गलत करता है, नहीं सर, प्रोडक्शन अकाउंट ही तो है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपको कुछ भी लिख सकते हैं, हम हमेशा क्या प्रेफर करेंगे आपका प्रोडक्शन अकाउंट यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, आपका 1995 की एंट्री कंप्लीट किया, पहला किया जी कितना पेबल था, फिर पे किया और जितना भी एक्सपेंस हुआ वो चला गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट। सर इस 85 में कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं जाएगा, नहीं जाएगा अभी ये 85, अभी हमारे पास लॉस दिखेगा, कितने साल तक दिखेगा जी, 3 साल तक, क्योंकि अगर इस लॉस को अगले 3 साल में रिक्रूटमेंट मैंने करा लिया तब तो लॉस खत्म हो जाएगा, अगर 3 साल तक रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया तो फिर मैं कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। क्योंकि जितने भी लॉसेज होते हैं ना बच्चे, लॉसेज, खर्चे की बात नहीं कर रहा, लॉसेज सब कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, यहाँ भी वही काम निकल के आपका आएगा, ठीक है ना। आइए 95 की कहानी खत्म करता हूँ। अब जरा बताओ कौन से ईयर बनाऊंगा मैं यहाँ पे 96, अगर आप कहो तो इसको मिटाए बगैर मैं यहाँ एंट्री कर दूँ, जगह है ना हमारे पास। सर हाँ जी, लिखो फिर 96। मुझे लगता है कि अब आप खुद बताना शुरू कर देंगे, नज़र यहाँ डालें, पहली एंट्री पास करो 96 का, मतलब एंट्री नंबर कितना हो जाएगा जी, 4th, 3 एंट्री हुआ, 4th यहाँ पे। अरे यहाँ देखो, यहाँ देखो 96 में रॉयल्टी एक्चुअल कितना बना, तो रॉयल्टी जब मुझे डेबिट करना होगा ना कि भैया मैंने प्रोडक्शन पे कितना रॉयल्टी लगाया है, कितना हमने प्रोडक्शन पे खर्च किया, तो वो तो सिर्फ 9000 ही होगा, 9000 ही होगा आपका, ठीक है। एक लाइन छोड़ के जरा बताओ, लेकिन मुझे बिग कंपनी को पे कितना करना है, बोलो ना, 11000। ये देखो आप पेबल कितना हो गया, 11000 रुपये, इसका मतलब कि 2000 रुपये मैं आज भी ज़्यादा पे कर रहा हूँ। आप बताओ इस 2000 को मैं क्या नाम दूंगा यहाँ पे, शॉर्ट वर्किंग आपका। तो आपने क्या किया, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को आपने डेबिट किया, अमाउंट कितना आपका हो गया 2000 का। कोई डाउट इसके अंदर में, बोलो ना, कुछ डाउट है, नहीं सर। तो रॉयल्टी 9 शॉर्ट वर्किंग टू बिग कंपनी आपका, ये एंट्री किस चीज का हुआ जी, बीइंग रॉयल्टी पेबल आपका, ठीक है। लो मैंने ये एंट्री कंप्लीट किया आपका यहाँ पे, ठीक है जी। अगली एंट्री, पांचवी एंट्री देखें यहाँ पे, पांच जी। अच्छा जरा देखो, जरा नज़र कि बिग कंपनी को जो 11000 पे करना था हमने पे किया कितना, 11 ही किया ना बच्चे। तो अगली एंट्री में क्या करूँगा, विल डेबिट बिग कंपनी अकाउंट डेबिट एंड टू क्या बोलेंगे जी, बैंक अकाउंट। बोलो जरा अमाउंट कितना बच्चों, बोलो ना, 11000। लो हमने 11000 पे कर दिया। और आपको तो पता ही है कि जो मैं 6th एंट्री करने वाला हूँ उस एंट्री में क्या होगा कि आप देखो जरा बताओ, यहाँ देखो आप बताओ रॉयल्टी एक्चुअली कितना था प्रोडक्शन पे, 9000 रुपये।
ये कहाँ चला जाएगा? प्रोडक्शन अकाउंट। तो अगली एंट्री में हम क्या करेंगे, विल डेबिट प्रोडक्शन अकाउंट टू रॉयल्टी अकाउंट। मतलब जो हमारा रॉयल्टी था जी, उस साल के एंड में हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। 9000 आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी और चाहो तो ट्रेडिंग अकाउंट भी, क्योंकि ट्रेडिंग में चला जाता है अकाउंट से अगर लिंक करें तो। बट क्योंकि रॉयल्टी प्रोसेस कॉस्टिंग कॉस्टिंग से जुड़ जाता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन अकाउंट लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप नरेशन लिखो कि समझ में आ गया। सर आ गया, वही नरेशन तो यहाँ पे होने वाला है। 96 भी खत्म हो गया, 96 भी। अगर आप कहो तो मैं 97 की बात दोबारा यहाँ कर दूँ, बोलो ना। लीजिए मैं यहाँ पे 97 की एंट्री करता हूँ मैं आपके लिए, जरा आ जाओ। 97 की बात कर रहा हूँ, जरा चेक करो। सॉरी 97 में कितनी एंट्री हो चुकी है अभी तक हमारी? 6 ना, 7वीं एंट्री। जरा बताओ 97 में आपका रॉयल्टी कितना बना है? 97 में नज़र यहाँ 12,000 एक्चुअल रॉयल्टी। तो हमने क्या किया, 12,000 डेबिट किया। क्या मुझे कोई बताएगा आप में से कि बिग कंपनी को मुझे पे कितना करना है इस बार? 12,000 रुपये, 12,000 तो पे करना है। क्या इस साल भी कोई शॉर्ट वर्किंग हुआ? नहीं हुआ। कब होगा शॉर्ट वर्किंग जी? जब जो अमाउंट पेबल है ना बच्चे, वो आपका ज़्यादा हो जाए कंपेयर टू आपका रॉयल्टी यहाँ पे। बट यहाँ पे जितना रॉयल्टी बना था उतने ही तो पे कर रहा हूँ, कोई शॉर्ट वर्किंग है नहीं यहाँ पे। ठीक है, क्या नरेशन लिखो कि ठीक है? सर ठीक है सर, कितना लिखो कि हम बड़े बच्चे हैं? 8वां लिखो फिर आप। अब हमें क्या करना है जी, बिग कंपनी को पे करना है। तो बताइए बिग कंपनी को पे करते समय विल डेबिट बिग कंपनी अकाउंट कितना? 12,000। जरा चेक करके बताओ पे कितना किया। ये देखो लास्ट कॉलम आपका कितना पे किया, 12। तो विल राइट टू बैंक अकाउंट आपका, पे कर दिया हमने 12,000 रुपये। और आपको तो पता ही है कि एंड में क्या करूँगा, ये रॉयल्टी कहाँ चला जाएगा आपका? प्रोडक्शन अकाउंट पे। तो विल डेबिट आपका प्रोडक्शन अकाउंट और टू क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, रॉयल्टी, टू रॉयल्टी आपका। कितना मेरे बच्चे? 12,000। तो एंट्री हमारी यहाँ पे आके कंप्लीट हो गई। 12,000 से वी हैव मेड द एंट्री यहाँ पे। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। ठीक है, कौन सा था? 97। मज़ा पता आपको कहाँ पे आएगा? 98 में, क्योंकि ये तो बकवास एंट्रीज है, एक ही एंट्री बार बार रिपीट हो रहा है। मैं इसको मिटा दूँ आप कहें तो? हो गया सबका। लीजिए मैं इसको हटाता हूँ ना, विल राइट 98 की एंट्रीज। देखते हैं जी क्या निकल के आता है। 98। तो 98 में मैं शुरू करता हूँ। जरा बताओ कितने नंबर एंट्री होगा? 10th नंबर आपका। आप जरा बताओ रॉयल्टी यहाँ कितना बना, रॉयल्टी कितना बना? एक मिनट मैं बताऊंगा। ये देखो 15,000 रुपये है ना बच्चे। तो 15,000 के यहाँ पे क्या हुई, रॉयल्टी बनी। अच्छा जरा बताओ बिग कंपनी को पे कितना करना है, बिग कंपनी को पे कितना करना है? जब पूछो कितना पे करना है तो विल सी रॉयल्टी पेबल कॉलम, कितना पे करना है? 15 ही पे करना है। तो ये आपका 15,000। अगर आपको परेशानी हो रही है तो मैं लिख दूँ नरेशन आपका, बींग रॉयल्टी पेबल है बच्चे। कितना पे कर रहा हूँ उसकी बात ही नहीं कर रहा, कितना पे करना है मैंने वो कमिटमेंट यहाँ किया। सिर्फ इतना बताओ तो क्या इस साल में कोई शॉर्ट वर्किंग हुआ है? नहीं हुआ है। अगर होता तो उसका भी नाम डेबिट में आपका आता। ठीक है, ठीक है, हो गया सबको यहाँ तक। अब देखो ना जरा इस एंट्री को देख के बताओ कि बिग कंपनी को पे कितना करना है। तो मैं ना अब ये बिग कंपनी लायबिलिटी को ख़त्म कर रहा हूँ, मैं पेमेंट करने की एंट्री कर रहा हूँ। बिग कंपनी अकाउंट जो मेरे बुक में 15,000 से क्रिएट हुआ था उसको मैंने डेबिट कर दिया। लेकिन लेकिन रुको जरा, यहाँ देखो एक मिनट, क्या आप उनको 15,000 पे कर रहे हो? नहीं सर। कितना पे कर रहे हो? 13। क्यों? वो 2,000 का जो शॉर्ट वर्किंग था ना बच्चे, उसका हम क्या कर रहे हैं, आपका रिकूपमेंट कर रहे हैं ना आपको यहाँ पे। तो पता है क्या बोलूँगा, बिग कंपनी मुझे आपको 15,000 देने थे, लेकिन 15,000 रुपये में से मैं आपको आज जो दे रहा हूँ टू बैंक अकाउंट, कितना दे रहा हूँ जी? सिर्फ 13,000 रुपये। और हाँ, वो 1995 में जरा बताओ स्टार्टिंग में शॉर्ट वर्किंग आपने क्या किया था? डेबिट किया था। तो उसमें से 2,000 अब क्रेडिट कर रहा हूँ, मतलब कैंसिल कर रहा हूँ। डेबिट करने का मतलब क्या जी, लॉस बढ़ाया था, अब तो 2,000 मेरा एडजस्ट हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। कितना मेरे बच्चे? 2,000 का अमाउंट आपका।
2000 रुपये। आप देख भी सकते हो एंट्री में, आपको देखेगा, नज़र यहाँ डालो, नज़र यहाँ, 15 में 2000 का रिक्रूटमेंट हुआ और 13000 क्या हुआ जी, हमने पे कर दिया आपका, है ना। तो ये हो गया आपका बीइंग रॉयल्टी, रॉयल्टी पेड, लो हमने पे करने की एंट्री कंप्लीट कर दी। यही हुआ ना बच्चे, कुछ बड़ी बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ, नहीं सर, छोटी छोटी बात है, एक बार इकट्ठा करके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है आपको। यहाँ पे लो रॉयल्टी पे कर दिया, ठीक है ना। 12th एंट्री में एक काम करो, जरा देख के बताओ यहाँ कि प्रोडक्शन के बेसिस पे रॉयल्टी कितना बना था, एक्सपीरियंस तो ये है ना बच्चे मेरा, तो 15000 रुपये कहाँ चला जाएगा आपका, प्रोडक्शन अकाउंट में। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू, आपने क्या बोला, रॉयल्टी अकाउंट, है ना बच्चे, कितना, 15000 रुपये। एक सवाल हो सकता है आपके दिमाग में यहाँ पे उठ जाए कि सर आपने 15 क्यों, पे तो सिर्फ 13000 किया, एक्सपेंस 13 दिखाओ, तो ये सवाल ही गलत है बच्चे। जरा बताओ पहले 1995 में रॉयल्टी कितना पे किया था हमने, 10, देख सकते हो आप एंट्री में, तो क्या हमने 10 एक्सपेंस दिखाया था, नहीं सर, 15 तो दिखाया था जो रॉयल्टी बना था एक्चुअल आपका। तो जो एक्चुअल बनेगा वही तो मेरा एक्सपेंस है, पेमेंट कभी भी हो क्या फर्क पड़ता है आपका, पेमेंट से थोड़ा कोई एक्सपेंस आपका होता है जी। जिस साल जितना हमने कोयले निकाले उस साल का उतने खर्च दिखाएंगे, सुनना मेरी बात, ये काम पूरा हो गया आपका, ठीक है। अब जरा बताओ एक एंट्री मुझे अब यहाँ पे और एडिशनल करना होगा जो अभी तक नहीं हुआ था, कौन सा, ये देखो प्रॉफिट लॉस में जाने का, कितना ट्रांसफर हो रहा है, 6500। स्लो स्लो रुको जरा, दिमाग लगाओ, आप 95 में जब 8500 का शॉर्ट वर्किंग हुआ था तो आपने उसको क्या किया था उस टाइम पे, डेबिट किया था, किया था ना, कितना डेबिट किया था, 8500 में से कितना क्रेडिट कर चुके हो आपका, 2000, कितना डेबिट में भी है, 6500, क्या उसको रहना अलाउड है, नहीं सर वो खत्म कर दूंगा, कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो मैं क्या करने वाला हूँ, वो 6500 का अमाउंट जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट करके, और मैं क्या लिखूंगा जी, शॉर्ट वर्किंग, ओह ये तो लॉस ही हो गया, ये हमने पे तो किया था लेकिन आगे हम रिक्रूटमेंट नहीं कर पाए, ऐसे लॉसेज हमेशा कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, है ना। देख रहे हो आप रॉयल्टी कहाँ जा रहा, प्रोडक्शन अकाउंट में, लेकिन लॉसेज कहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। फिर एक बात बताओ, ये जो आपने 11th एंट्री किया था, आपने लिखा था शॉर्ट वर्किंग, लेकिन आपने यहाँ क्या लिखा था, शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट, ये होना चाहिए था ना, नहीं बच्चे, रिक्रूटमेंट तो एक वर्ड है कि एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, एक्चुअली अकाउंट कौन सा खुला हुआ था, शॉर्ट वर्किंग, वही कम ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, है ना। अभी अकाउंट भी आपको दिखाऊंगा, अकाउंट भी एग्जाम में पूछता है, तो हमको पूरी तरीके से तैयार होना आपको यहाँ पे। लो 13th एंट्री भी हमारा हो चुका आपका, ये भी हो चुका। अब एक काम करूँ, 99 की एंट्री आप कर दोगे मेरे साथ, जरा पहले आप करो फिर मैं करता हूँ, देखता हूँ कौन पे मतलब सही करता है। जरा एक बार 99 की एंट्री करें आप, देखते हैं कि आपको सही होता है गलत होता है, बदमाश सबको करने दो 99 की एंट्री। इसको मिटा दूँ, इसको भी हो गया। तो जरा देखते हैं कि 99 की एंट्रीज हमारी कैसी होती है, आप करो मैं देखता हूँ आपके साथ। जब मैं छोटा बच्चा था आपके जैसा दिखता था, तो मेरे सर ने पता नहीं इस चैप्टर में क्या मुझे पढ़ा दिया था, मैं परेशान हो गया था, आत्महत्या करने चला गया था मैं हिमालय के ऊपर, वहाँ पे आए थे ब्रह्मा जी, और फिर उन्होंने मुझे पढ़ाया था कि ऐसे ही पढ़ा जाता है, तब मुझे जाके समझ में आया रॉयल्टी ये है। भगवान जी को भी गुस्सा है मेरे सर को, उन्होंने ऊपर उठा लिया, सर चले गए मेरे यहाँ से, दुनिया से, मज़ा आ गया। उल्टे से चीज़ें पढ़ाएंगे तो क्या होगा, हो गया सबको यहाँ तक, कर लिया एंट्री, एंट्री कर लिया, लिखा जी, नहीं हुआ, नहीं बना 99 की एंट्री, नहीं बना जी एंट्री, लेकिन आप में से हर एक बच्चा की एंट्री गलत होगा। आप लोगों ने एंट्री करते समय एक जो बात गौर करनी थी, किसी ने गौर नहीं किया होगा, इस बात को विश्वास दिलाता हूँ, है ना, शर्म भी आएगा आपको अपने ऊपर में कि मैंने ऐसी गलती कैसे कर दी, लेकिन गलती की है तो फिर क्या करूँ, और गलती करके हंस भी रहा है। दिखाऊं मैं यहाँ पे, सबका हो चुका है जी, अरे सबका हो चुका है, क्या कर रही है, कुछ हमेशा कभी बुक गिरा रही है, कभी कुछ गिरा रही है, नज़र यहाँ डालेंगे आप, मैं आपको दिखाता हूँ 99 की एंट्री, ध्यान देना सारे बच्चों ने गलती है क्या, मैं प्रूफ करता हूँ कैसे। यहाँ पे नंबर 14th एंट्री होगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिटेड, रॉयल्टी कितना बना इस बार,
16,000 एंड टू बिग कंपनी, टू बिग कंपनी कितना अमाउंट आपका हो गया 16,000। ठीक है, 15वीं एंट्री में मैंने क्या करना है जी, बिग कंपनी को पे करना है। ये बिग कंपनी अकाउंट डेबिट किया कितना 16,000। क्या कोई रिक्रूटमेंट हुआ है क्या सर? हाँ 2,000 का पे कितना किया 14,000। तो टू बैंक आपने किया 14,000 और टू शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग कितना हो गया यहाँ पे? कितने बच्चों ने एंट्री पास की, जरा हाथ टच करना। 16th एंट्री आपका, 16th। अब मैं क्या करूँगा जी, अरे एक मिनट, अब मैं इस खर्च को कहाँ ट्रांसफर करूँगा? तो मैंने क्या किया, प्रोडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू रॉयल्टी अकाउंट, कितना अमाउंट हो गया आपका 16,000 आपको यहाँ पे। ठीक है जी, क्या कुछ लॉस भी ट्रांसफर हुआ प्रॉफिट लॉस में? नहीं सर, एंट्री कंप्लीट हो गई, एंट्री कंप्लीट। कितने बच्चों ने बिल्कुल यही काम किया, जरा हाथ टच करना, जिन्होंने बिल्कुल यही काम किया है, देखे जरा। एक बच्चे का हाथ नीचे है, एक का हाथ नीचे है, एक का हाथ नीचे है, एक का हाथ नीचे है, पीछे में नहीं किया ना ये एंट्री, तो हाथ नहीं उठा सकता। हाँ गेम खेलेगा मेरे साथ, लूडो खेलना है तो हाथ उठाएगा ना। हाँ जी यही हुआ ना सबका, यही तो एंट्री बननी है। ये कौन, क्या गलती इसके अंदर में? अरे तीन एंट्री होना, तीन एंट्री, ठीक है आपका, है ना, यही एंट्री होगा, यही एंट्री होगा, है ना, काम खत्म। तो ये लीजिए आपका ये काम। पता है इन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है रॉयल्टी का, खासकर देखा गया है कि जिस साल में रॉयल्टी का क्वेश्चन आ गया, जिस साल में, उसके अगले दिन का पेपर पढ़ना। दिल्ली में 323 बच्चों ने आत्महत्या कर लिया, उत्तराखंड में 500 बच्चों ने, मतलब ऐसे आते हैं कि आत्महत्या क्या, ये क्या पर? क्यों? क्योंकि रॉयल्टी के चलते में क्या दम इसके अंदर, जरा बताओ। आप बताओ, आपको नहीं लगता कि आप नर्सरी क्लास में तब ये कर जाते हैं आप? कुछ है नहीं इसके अंदर में जी, 5-6 कॉलम तो बनाने हैं, आग बन के कुछ ना आए, कुछ भी ना आए, कम से कम ये नाम तो लिख सकता ऊपर में, इतना तो कम से कम लिख सकता है, ये चीज ये तो लिख सकता है, ये भी नहीं लिख सकता, लिख सकता है ना। कितने मार्क्स मिलेंगे? 0। इसके मार्क्स मिल जाएंगे लिखने के, यही बोल रहा है, इसके मार्क्स मिल जाएंगे, तो फिर क्यों बदमाशी कर रहा है? तो क्यों नहीं बोला फिर? बोलना चाहिए था ना कि सर इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स मिलता इसको लिखने के। अरे कोई बात नहीं, इसके साथ कम कम इतना तो लिख सकता है, ये भी नहीं लिख सकता, कितने मार्क्स मिलेंगे? अच्छा सब में 0-0 मिलते रहेगा, तो फिर ये भी लिखो, ये सब में 0 मिल जाएगा मुझे फिर? अब कुछ नहीं, आधा बनाऊंगा तो कुछ नहीं मिलेगा मुझे। हाँ क्या टीचर के ऊपर क्या, सर है ऊपर में, सर में क्या करेगा, गंदी बात नहीं करेगा मेरे साथ, ऊपर और नीचे क्या होता है? अरे जितना काम करूंगा मार्क्स मिलेगा, उल्टी सीधी बात करता है, ऊपर सर होता है, दिखता नहीं है यहाँ पे अपना, और खासकर टीचर का सर। ये मेरा पता क्या है, नहीं ये जो देख रहा है, ये क्या नाम आपका? विमल, अभी कुछ अलग नाम बताया था। थोड़ा दरवाजा खोलोगे, बहुत गर्मी से हो रही है। ये देख रहा है ये, यहाँ पे इसके ऊपर जितना है ना मेरा ये पाठ, सब खराब हो गया है, हंस रहा है ना, मैं कह रहा हूँ सब मेरा खत्म हो गया, हंसे जा रहा है अभी भी, हंस रहा बदमाश। अरे रोएगा सर का ये खराब हो गया है, हंसे जा रहा है। ये देख रहा है, डॉक्टर बोलता है कि ये जो है ना, ये देख रहे हैं, कुछ दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे, बदमाशी करेगा यहाँ, कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे स्किन दिख रहा है, स्किन, गर्दन इसको बोलते हैं, स्किन के अंदर जो चीज नसें सारी खराब हो चुकी है। बहुत गर्मी नहीं हो रही आज? चलो कोई बात नहीं, पर चैप्टर में कुछ भी दम नहीं है। पता है कब अगला, अगर एक काम करूं, मैं एक काम करूं, क्यों ना इसी क्वेश्चन में ऐसे पूछा नहीं था, बट एक काम कर देता हूं, आपको मजा आ जाएगा, मैं अकाउंट भी सिखा दूं बना के आपको, अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि एग्जाम में या तो बोलता है एंट्री करो या बोलो कि अकाउंट, तो मैं अकाउंट कैसे करूं? देखो एंट्रीज मैं मिटा चुका हूं, एंट्रीज आपके पास है, तो आप ना एंट्रीज को क्या करेंगे, इससे रिलेट करेंगे जब मैं बातें करूंगा आपके साथ। इसको मिटा दूं कम से कम, इसको मिटा दूं। चलिए मैं एक काम करता हूं, आप जरा आ जाओ अकाउंट, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन और लंबा बन गया अच्छे मार्क्स वाला, तो पता क्या करता है, वो बोलता है कि अकाउंट भी दिखा दो आप। तो आओ जरा देखते हैं अकाउंट कैसे बनेगा। अकाउंट में
जरा बताओ हमने जो एंट्रीज पास किया उनमें कौन कौन से नाम यूज किए हैं? मेनली तीन, एक रॉयल्टी, एक शॉर्ट वर्किंग और एक बिग कंपनी। एक बैंक भी नाम था, बट बैंक अकाउंट कभी एग्जाम में नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि बैंक में बहुत सारे लेन देन होते, सिर्फ ये लेन देन नहीं होते आपका। तो रॉयल्टी अकाउंट से अगर क्वेश्चन आ गया तो ये तीन नाम का अकाउंट पूछेगा आपका। आप जरा शुरू करता हूँ, बनाएंगे मेरे साथ। पहला अकाउंट बताओ कौन सा बना रहा हूँ मैं यहाँ पे? रॉयल्टी अकाउंट। मैं बिना एंट्रीज के भी ये बना सकता हूँ, बशर्ते कि मेरी बात आपको समझ में आई हो। सुने ध्यान से, एक बात बताओ, रॉयल्टी में पे कर रहा हूँ, रॉयल्टी पे कर रहा हूँ, तो ये मेरा एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस का बढ़ना हमेशा डेबिट और घटना क्या होता है? क्रेडिट होता है। अरे बच्चे, एक्सपेंस का ऑलरेडी डेबिटेड आपका, तो ये तो ले जा रहा जी, एक्सपेंस जब बढ़ेगा तो डेबिट करूँगा, घटना क्रेडिट करूँगा, है ना। जरा 95 चेक करो और बताओ 95 में रॉयल्टी कितना बना था? 1500। तो 95 में हमारा एक्सपेंस, 95 में हम कितना रिकॉर्ड करेंगे? 1500 रुपये आपका टू बिग कंपनी। मैं बिना एंट्री को देखे बगैर बात करता हूँ, मैं हमेशा ये काम करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आप देखो ना, एंट्री क्या था बच्चे? एंट्री पढ़ो जरा, बिग कंपनी शॉर्ट वर्किंग टू रॉयल्टी, सॉरी रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग टू बिग कंपनी। तो जब रॉयल्टी अकाउंट बनाऊंगा अगर वो डेबिट में, तो नाम किसका आएगा? क्रेडिट वाले का। तो क्या लिखा हमने? टू बिग कंपनी। अमाउंट हमेशा उसी के आगे का आता है जिसका अकाउंट बना रहे हो आप, मतलब बिग कंपनी रॉयल्टी का 1500 रुपये आपका। क्लियर पॉइंट आपका यहाँ पे? ठीक है, 95 में क्या बोला? टू बी कंपनी। क्या मुझे बताओगे कि साल के एंड में ये 1500 रुपये कहाँ ट्रांसफर कर दिया था आपने? प्रोडक्शन अकाउंट में। तो साल के एंड में विल से बाय प्रोडक्शन अकाउंट। क्यों मैं एंट्रीज देखने जाऊँ मुझे समझ में नहीं आता, जबकि मैं जानता हूँ कि यार एक्सपेंस हमारा 1500 रुपये हुआ और जब वो ट्रांसफर्ड हो गया प्रोडक्शन अकाउंट में तो एक्सपेंस क्या खत्म हो गया जी, अब वो नाम ही नहीं रहा, हटा दिया हमने, ये अकाउंट क्लोज। ठीक है मेरे बच्चे, कौन से ईयर की बात कर रहे हैं हम लोग? 95। नाउ 96 पे आप आइए, जरा देखो क्वेश्चन में, सॉरी 96, आप जरा देख के बताओ कि 96 में टू बिग कंपनी को हमें रॉयल्टी कितना पे करना है? कितना था आपका? 9000 था ना बच्चे। ये 9000 जरा बताओ साल के एंड में कहाँ चला गया? प्रोडक्शन अकाउंट। बताओ अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए और फिर भी हम कहें कि यार नहीं बना हमसे, तो फिर हमसे गंदा कौन होगा दुनिया में? ये लीजिए आप यहाँ पे 9000 का अमाउंट। क्या जरा बताओगे कि 97 में टू बिग कंपनी कितना अमाउंट है? बोलो ना, 12000। ठीक है, और साल के एंड में 12000 कहाँ चला गया? प्रोडक्शन अकाउंट। प्रोडक्शन अकाउंट में हमने क्या किया? 12000 ट्रांसफर कर दिया। क्लियर यहाँ तक? बोलिए, इसे हमने क्लोज किया, तीन साल खत्म। चौथे साल में आ जाओ, 98 में अगेन विल राइट रॉयल्टी टू बिग कंपनी, कितना मेरे बच्चे? अगले साल कितना था? 15000। और ये 15000 जरा बताएं साल के एंड में बाय प्रोडक्शन अकाउंट ट्रांसफर किया था ना। अगर आपको यहाँ दिक्कत आ रही है बिना एंट्री को देखे बगैर, तो आप एंट्री देखेंगे तब भी यही तो निकल के आने वाला है, एंट्री में भी तो यही है। 99 में जरा बताओ टू बिग कंपनी रॉयल्टी कितना बना था? 16000। और एंड में वी ट्रांसफर दिस अमाउंट टू प्रोडक्शन अकाउंट, तो लिखिए यहाँ पे प्रोडक्शन अकाउंट कितना मेरे बच्चे? 16000 का अमाउंट आपका कंप्लीट हो गया, है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ कि आपने पाँचों साल की कहानी पूरा यहाँ पे कंप्लीट की। ठीक है जी, कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। तो ये हो गया रॉयल्टी अकाउंट। अगला अकाउंट कौन सा बना दूँ बताइए? आई बिग कंपनी देख ले, बिग कंपनी अकाउंट। इसमें कोई डाउट है किसी को? सर कुछ आपने किया नहीं, जो आपने एंट्री पास किया था उसी को अकाउंट में आपने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जरा बताओ कॉन्सेट कॉलरी के लिए बिग कंपनी एसेट्स है कि लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी है, पे करना हमको। लाइबिलिटी का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है बच्चे? क्रेडिट। तो बढ़ना क्रेडिट करूंगा, घटना डेबिट करूंगा। मैंने कई बार आपको हर एक चैप्टर में बताया है कि जिसका जहां पे आप बैलेंस लिखते हो वहां पे बढ़ने की बात करते हैं ना बच्चे। तो बिग कंपनी लाइबिलिटी बढ़ना क्रेडिट घटना डेबिट करेंगे, कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। जरा आप चेक करो, क्योंकि थोड़ा स्लो चलता हूं, जल्दबाजी ना हो जाए, 95 में चेक करो, 95 में पहले एंट्री में बिग कंपनी को कितना पे करना था? 10000।
देखो मैंने कैसे बताया था वो 10,000 कैसे है, आप बताओ 10,000 में रॉयल्टी कितना था? 1500 रुपये। और शॉर्ट वर्किंग कितना था मेरे बच्चे? शॉर्ट वर्किंग जो था इट वाज 8500 था ना। आप देख सकते हैं एंट्री में भी तो यही काम किया था, एंट्री में क्या लिखा था? रॉयल्टी डेबिट शॉर्ट वर्किंग टू बी कंपनी अकाउंट, है ना बच्चे, वही एंट्री में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है 10,000। अच्छा जरा बताओ सेकेंड एंट्री देख कर, सेकेंड एंट्री की रॉयल्टी हमने पे कितना किया? 10 ही पे किया ना, तो बी कंपनी में क्या बोला आपने? टू बैंक अकाउंट हमने क्या किया? 10,000 पे कर दिया। लो अकाउंट्स क्लोज्ड, पहले साल का हिसाब बराबर है ना बच्चे। लिख दूं मैं यहाँ पे इट वाज द केस ऑफ 95 का। नाउ विल कम टू 96 आपका, 95 हो गया, 96 में आइए। जब बताओ 96 में बी कंपनी को टोटल कितना पे करना है? 11,000। उस 11,000 में जरा बताओ रॉयल्टी कितना है? तो आपने लिखा रॉयल्टी 9,000 रुपये, और आपने कहा कि भैया हम इसके साथ शॉर्ट वर्किंग भी तो आपको पे करेंगे। आप बताओ वो शॉर्ट वर्किंग कितना था आपका? 2,000 रुपये। आपका टोटल कितना हो गया? 11,000 रुपये। और फिर आपने इस 11 को क्या किया? टू बैंक अकाउंट पे कर दिया। कितना मेरे बच्चे? 11,000। एंट्री हमारी कंप्लीट। कोई डाउट इसके अंदर में? बोलो ना, कोई डाउट इसमें बच्चे? बोलो, ये काम हो चुका 95-96 का। अब हम आएंगे 97 में। 97 चलो बताओ 97 में आपका रॉयल्टी कितना बना है? रॉयल्टी 12,000। क्या कोई शॉर्ट वर्किंग भी था? नहीं सर, नहीं। अच्छा जरा देखो 97 में हमने पे कितना किया है? पूरे 12,000 रुपये, 12,000। ये भी काम खत्म हो गया। मैं आ गया 1998 में। अच्छा 98 में जरा बताइए कि बिग कंपनी को कितना पे करना है? कितना पे करना है? कितना था पेबल? 15,000 रुपये। तो नजर यहाँ, आपने 1998 में जो पहले एंट्री पास की है उसमें रॉयल्टी पे कितना करना था? 15,000 रुपये, है ना। तो मैंने क्या बोला जी, बी कंपनी में 15,000 रुपये का रॉयल्टी पे करना। यहाँ देखिए लाइबिलिटी बढ़ाया क्या जी? मुझे 15,000 रुपये पे करने, है ना बच्चे, 15,000, ठीक है। अच्छा बताओ 15,000 में क्या 15 हमने पे किया था? नहीं सर, आप एंट्री देख सकते हैं 2,000 का शॉर्ट वर्किंग हमने यहाँ रिक्रूटमेंट कराया था, टू शॉर्ट वर्किंग। मेरे पास एंट्री है नहीं, होता तो मैं आपको दिखाता, बट आपके पास आप चेक कर सकते हैं कि 98 में जो पेमेंट करने वाली आपने एंट्री की थी उस एंट्री में आपने क्या किया था? बिग कंपनी डेबिट टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग। तो टू बैंक एंड टू यानी कि शॉर्ट 15 में दो ये हुआ जी, और 13,000 का हमने क्या किया? आपको पेमेंट कर दिया टू बैंक अकाउंट 13,000। ये भी काम हमारा पूरा हो गया आपका। लास्ट ईयर 99 था, आप चेक कीजिए 99 में रॉयल्टी पेबल कितना था बच्चे? 16। क्या कोई रिक्रूटमेंट हुआ था? सर हाँ, यहाँ भी आपने कहा कि टू शॉर्ट वर्किंग कितना बच्चे? 2,000, और बाकी 14,000 आपने पे कर दिया। 14,000 तो पे किया था आपने, एंट्री हमारी कंप्लीट आपके ऊपर। बताओ इसमें क्या दम है? एंट्री कोई लेजर में कन्वर्ट करना है। अच्छा मुझे बताइए कि क्या अगर एग्जाम में लेजर अकाउंट आ गया, एंट्री नहीं पूछता, तो क्या आप एंट्री पहले बनाओगे? नहीं सर, टाइम की बर्बादी है। अगर आप बनाओगे फिर क्या होगा? टाइम बर्बाद आपका होगा जी। बेस्ट तरीके क्या है? जरा देखो मैं किस तरीके से बातें कर रहा हूँ। अगर घर में आपने अच्छी तरीके से आज जाके इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया ना, ये चैप्टर में जबरदस्त कमांड आपका हो जाएगा। सिर्फ मुझे सिर्फ प्रैक्टिस काम बच गया है, लेकिन जैसे बोलना उस तरीके समझो, यानी कि आप जिस लेवल पे हो, पहले अगर बोलता लेजर बनाओ जी, तो पहले आप एंट्री पास करोगे फिर लेजर, नहीं करना काम हमें, फटाफट क्या करना जी इसको समझना अपना, है ना। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस से काम बन जाएगा, ठीक है। अगला अकाउंट कौन सा बनाने वाला हूँ? शॉर्ट वर्किंग, है ना। जगह कम पड़ेगा, मैं इसको मिटा देता हूँ और यही बना देता हूँ। आइए देखते हैं। अभी आप छोटे बच्चे हैं तो एंट्री का हेल्प ले सकते हैं, बट मैं चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस इतना अच्छा कर लें कि एग्ज़ाम में बिना एंट्री का भी आप अकाउंट बना सकते हैं। शॉर्ट वर्किंग, कोई मुझे बताया कि शॉर्ट वर्किंग इस कंपनी के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए लॉस है कि इनकम है? लॉस है ना बच्चे, एक्स्ट्रा एक्सपेंस है।
इसका भी क्या होगा, बढ़ना डेबिट घटना क्रेडिट, हर एक एक्सपेंस का, हर एक एसेट्स का बढ़ना डेबिट घटना क्रेडिट होता है, कई बार चैप्टर में मैंने आपको बताया हुआ है, आगे भी बताते रहूँगा। तो लॉस है जी, बढ़ना डेबिट घटना क्रेडिट करेंगे, चेक करो आप पहले साल में आपको शॉर्ट वर्किंग कितने का हुआ था, 85। तो एंट्री क्या था याद आपको, रॉयल्टी डेबिट शॉर्ट वर्किंग टू बिग कंपनी। तो शॉर्ट वर्किंग में क्या बोलूंगा, टू बिग कंपनी, जिसका अकाउंट बनाते हैं उसके अपोजिट में जो नाम है वो लिखा जाता है। कितने का हुआ था बच्चे शॉर्ट वर्किंग, 85 पहले साल में, कोई डाउट इसके अंदर में? अच्छा जरा बताओ पहले साल में इस 85 में कुछ किया था आपने? नहीं किया था। ये हमारा रह गया बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि हमें पता है कि अगले 3 साल तक में अगर ये एडजस्ट नहीं हो पाया तो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, है ना बच्चे? तो हमने क्या किया, वो जो शॉर्ट वर्किंग हमारा हुआ था रह गया क्लोजिंग बैलेंस के रूप में आपको 85। अगले साल में आ जाओ, टू बैलेंस बीडी 8500, ठीक है अगले साल में। क्या अगले साल फिर से कुछ शॉर्ट वर्किंग हुआ था? क्या हुआ था, कितना हुआ था इस बार, 2000, है ना बच्चे? तो फिर से मैं यहां पे क्या करूंगा, टू बिग कंपनी, बिग कंपनी को हमने 2000 रुपए फिर से ज्यादा पे किया आपको, तो जो 85 का लॉस था वो बढ़ के कितना हो गया बच्चे एंड में, 10,500, 10,500 रुपए हमारे पास लॉस रह गया जी। अगर अगले 3 साल तक में एडजस्टमेंट नहीं हो पाता तो चला जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ठीक है। 2 साल कंप्लीट लिख दूं मैं, ये पहला साल था 95, ये हो गया 96। अब हम बात करते हैं 97 का, कोई डाउट इसमें, किसी को डाउट है बच्चे यहाँ तक? 97 में जरा बताओ इसका टू बैलेंस बीडी कितना अमाउंट है, 10,500। आप देखो ना, आपने जो एंट्री पास किया या टेबल देखो आप, क्या इस साल कुछ एडजस्टमेंट हुआ? नहीं हुआ। तो यही बीडी और यही सीडी, बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस भी कितना रह गया आपका, 10,500 रुपये, ये भी काम कंप्लीट हो गया, है ना बच्चों? अब आ गया 1998, आप देखो ना अच्छा लगेगा, 98 में जरा बताओ टू बैलेंस बीडी कितना है, 10,500, है ना? जरा बताओ क्या 98 में कुछ हुआ था? सर हाँ, हमने रिक्रूटमेंट किया था, कितने का, 2000 का। तो ठीक है, ये जो 10,500 है उसमें से, ये देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ नज़र, यहाँ 2000 हमने एडजस्टमेंट करा लिया। जरा बताओ किससे एडजस्टमेंट कराया था, बिग कंपनी से। मुझे तो बहुत मज़ा आता है इस चैप्टर में, बाय बिग कंपनी। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो एक बार जरा एंट्री चेक करो, आप एक बार चेक करो कि 1998 में जब आपने एंट्री किया था बिग कंपनी को पेमेंट करेंगे तो आपने एंट्री क्या किया था, आपने एंट्री किया था जी कि बिग कंपनी डेबिट टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, है ना बेटे? शॉर्ट वर्किंग में कितना अमाउंट लिखा था आपने, 2000 रुपये, तो वही क्या किया हमने यहाँ पे रिक्रूटमेंट कराया। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, वो 85 का देखो 3 साल खत्म भी हो गया, 1, 2, 3, तो 85 में 2000 का रिक्रूटमेंट हो गया, बाकी का 6,500 रुपये आप याद कीजिए आपने कहाँ ट्रांसफर कर दिया था, प्रॉफिट लॉस अकाउंट किया था ना आपने, बस खत्म हो गई बात। अब जरा बता दो यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी कितना बच गया, 2000, कौन सा, जो अगले साल हुआ था, क्योंकि इसके लिए हमारे पास अभी 1 साल का और समय है एडजस्ट करने के लिए आपका। 99 टू बैलेंस बीडी कितना अमाउंट आपका हो गया, 2000 रुपये आपका, 2000, 99 की बात करें 2000 रुपये का अमाउंट। क्या 99 में कुछ हुआ था इसका, सर हाँ, ये आपने बिग कंपनी से एडजस्ट करा लिया था अगले साल के पेमेंट में से कि भैया 2000 रुपये अब एडजस्ट करा रहे हैं, और ये अकाउंट्स आपको क्लोज्ड हो गया था, है ना बच्चे? ये काम पूरा आपका हो गया, ठीक है ना? तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसके अकाउंट को भी दिखाया, क्वेश्चन जो बोलेगा हम कर जाएंगे, कहीं भी कोई दिक्कत हमें नहीं आने वाली है। अच्छा एक मिनट, अब मैं पूरे क्वेश्चन का मीनिंग आपको समझाना चाहता हूँ, पूरे क्वेश्चन का मीनिंग, ये हो गया सबको यहाँ तक, हो गया बच्चे? एक बार जरा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट लाइन पढ़ना, लास्ट लाइन क्या बोला था, शो एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कौन से कॉलरी कंपनी व्हेन देयर इज नो मिनिमम रेंट अकाउंट, नो मिनिमम रेंट अकाउंट। क्या आपने जितनी सारी एंट्रीज पास की हैं उन एंट्रीज में कहीं पे मिनिमम रेंट का नाम लिखा था आपने? हम लिखते भी नहीं बच्चे, वो मना भी कर रहा है कि मिनिमम रेंट अकाउंट यूज नहीं करना, नहीं किया मैंने, कहाँ कहीं यूज किया मिनिमम रेंट का नाम, मिनिमम का मतलब क्या, डेड रेंट। तो एंट्री में तो कहीं नाम हमने यूज किया ही नहीं आपका, तो न कभी करते हैं हम, नहीं करते हैं, तो इस लाइन का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है,
वो सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता था पहले के ज़माने में कि जब एंट्री पास होता था ना तो हम मिनिमम रेंट का नाम यूज किया करते थे, अब नहीं होता तो वो कोई मतलब ही नहीं बनता इस लाइन का आपका, ठीक है ना। चलिए अब बिलीव करो क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब आगे के किसी भी क्वेश्चन में मैं आपका लेजर अकाउंट नहीं बनाऊंगा और नहीं एंट्री, क्योंकि एंट्री सबका सेम बनना, कहीं कुछ वेरिएशन आएगा तो मैं करा दूंगा उस साल का, बस बाकी आपने खुद करना है। एक बार चेक करता हूँ क्वेश्चन नंबर टू, ये CA में कभी क्वेश्चन आया था 16 मार्क्स में, एक बार चेक करते कि ये क्वेश्चन हो पाता कि नहीं हो पाता जी हम लोगों से। जब मैं छोटा बच्चा था आपके जैसा दिखता था तो बच्चे हमारे टाइम पर ना CA CMA CS के फाइनल में हुआ करता था ये चैप्टर, उसके पहले नहीं पढ़ाया जाता कि बच्चे बड़े छोटे उनको समझ में नहीं आएगा, बट कुछ है नहीं इसके अंदर में समझने वाला। आज भी फाइनल लेवल में ये चैप्टर है, जब थोड़े आप बड़े हो जाएंगे तो फाइनल में आपको दोबारा ये चैप्टर पढ़ना होगा, सेम चैप्टर होगा, कहीं कुछ नया नहीं उसके अंदर में। आज एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्या बता रहा है, थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे, थोड़ा सा वर्डिंग का मतलब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आपको आज शुरू करूं, पढ़ेंगे आप। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड ऑब्टेंड अ लीज फ्रॉम गोंडवाना कोल लिमिटेड फॉर अ कोल माइन ऑन 1st January 1994 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। क्या बता रहा कंडीशन, रॉयल्टी आपका ₹1 होगा पर टन रेस्ट, ₹1 आपका। मिनिमम रेंट कितना बता रहा आपका 12,000, ठीक है। पॉइंट नंबर थ्री, रिक्रूटमेंट होगा शॉर्ट वर्किंग का ऑन ईच ईयर ड्यूरिंग 3 ईयर्स, रिक्रूटमेंट इसमें भी कितने साल तक अलाउड है, लेकिन सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 2500 पर एनम। पर बच्चे किसी भी एक साल में टू द मैक्सिमम रिक्रूटमेंट कितना हो सकता है 2500, उससे ज़्यादा नहीं है ना बच्चे, ये निकल के आया ना, थोड़ा स्लो एक मिनट, ऐसे समझना चाहता हूँ। ₹2500 तक का रिक्रूटमेंट एक साल में करा सकते हो टू द मैक्सिमम आपका, और 3 साल में टू द मैक्सिमम अलाउड है जी, तो 2500 × 3 कितना हो गया, मतलब बहुत भी ज़्यादा रिक्रूटमेंट करा पाऊँ तो 7500 तक करा सकता हूँ। ऐसे इसका कोई यूज इसमें नहीं है, बट मैंने आपको समझाया यही है ना मतलब इसका निकल के आ रहा है, ठीक है आगे पढ़ना। फोर्थ पॉइंट अच्छा पॉइंट है, इन द इवेंट ऑफ स्ट्राइक, अगर आपके बिजनेस में स्ट्राइक होता है तो मिनिमम रेंट वुड बी टेकन प्रो राटा ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल वर्किंग डेज, बट इन द इवेंट ऑफ लॉकआउट, अगर लॉकआउट्स होते हैं लेसी वुड एंजॉय अ कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनिमम रेंट ऑफ 50% ऑफ द पीरियड ऑफ लॉकआउट। सर ये क्या है, क्या है बाद में बताऊंगा, पहले दो वर्ड आया, एक आया जी आपका स्ट्राइक, एक आया लॉकआउट्स, इन दोनों में क्या फर्क होता है, स्ट्राइक में लॉकआउट में क्या फर्क होता है पता आपको? स्ट्राइक जब होता है तो कब होता है जी, जब आपका वर्कर्स जो है वो आपने करते हैं, तो लॉकआउट्स कब होता है बच्चे, जब कंपनी ही कुछ समय के लिए बंद हो जाती है, मशीन नहीं है, मटेरियल नहीं है हमारे पास, काम कुछ नहीं आ रहा जी, तो हम क्या करते हैं कुछ समय के लॉकआउट्स कर देते हैं आपका। तो खैर कोई बात नहीं, एक बार दोबारा पढ़ लेता हूँ फोर्थ पॉइंट क्या बता रहा है, अगर स्ट्राइक होता है तो मिनिमम रेंट जो है वुड बी टेकन प्रो राटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट बेसिस से ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल वर्किंग डेज, लेकिन अगर वो कहता है कि लॉकआउट्स होगा तो लेसी मतलब जिसने लीज पे लिया है जी वुड एंजॉय अ कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनिमम रेंट फॉर द 50% ऑफ द पीरियड ऑफ लॉकआउट, इसका मीनिंग आगे समझा दूंगा। अच्छा पॉइंट और देखो क्या निकल के आ रहा, बिसाइड्स द अबव हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड हैव बीन ग्रांटेड अ कैश सब्सिडी इक्वल टू 25% ऑफ अनरिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अप टू द 1st 5 ईयर्स ऑफ द लीज। सर ये क्या है, मैं ना पिछले वाले क्वेश्चन से लिंक करता हूँ, जरा बताओ पिछले वाले क्वेश्चन में पहले साल में शॉर्ट वर्किंग कितना हुआ था 85, उस 85 में अगले 3 साल में हमने कितना रिकवरेंट कर लिया था 2000, कितना बच गया था 6500, ये लॉस हो गया था उसको, लॉस हो गया था ना। इस बार कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि देखो जी आपको ये लॉस नहीं होने देंगे, जितना अमाउंट रिकूप नहीं कर पाओगे इसका भी 25% हम आपको पे कर देंगे सब्सिडी के रूप में, पैसा हम आपको दे देंगे। पढ़ो फिर से उस लाइन को क्या बता रहा है आपका, पढ़ेंगे फोर्थ लाइन में थर्ड फोर्थ पॉइंट में थर्ड लाइन, बिसाइड्स द अबव हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड हैव बीन ग्रांटेड अ कैश सब्सिडी इक्वल टू 25% ऑफ अनरिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग, जो रिक्रूटमेंट नहीं हो पाएगा उसका ये 25% कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले 5 साल तक आपका, ठीक है।
पांचवा कहता है कि भैया वर्किंग जो है ओह ये क्या, 6 साल में आपको बता दिया एक्चुअल रॉयल्टी। अभी तक हम इसको निकाला करते थे कि यार बुक सोल्ड मल्टीप्लाइड बाई ये आपको नहीं करना। कहता है कि एक्चुअल रॉयल्टी जो है ना 5 साल का इतना इतना बना है। बट ध्यान दीजिए 98 में देयर इज स्ट्राइक फॉर 73 डेज, 99 में वी हैव लॉकआउट पीरियड ऑफ 4 मंथ्स आपका, है ना बच्चे। तो आइए जरा दिखाता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में दम नहीं है। इस चैप्टर की एक और खास बात है, पता है जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ना उतने ही करने हैं, उनके सिवाय कुछ भी नहीं। एग्जाम में कुछ भी अलग से नहीं आ सकता। लीजिए आप कर रहे हैं मेरे साथ सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग रॉयल्टी पेड। अभी तक हम कितने कॉलम बनाते थे जी पिछले वाले क्वेश्चन में? 9 थे ना आपके। एक काम करना, सेफ्टी के लिए कॉलम 10 बना लेंगे, मतलब 10 तक का हम जगह छोड़ देंगे, शायद कुछ रिक्वायरमेंट अगर आ जाए तो। बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे? ठीक है ना, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ईयर बताओ ना कितने साल की बात उठ रही है? 94, 95, 96, 97, 98 और फिर कहता है 99। कितने साल हो गए? 6 साल। देखो इसमें मजे की बात है कि एक्चुअल रॉयल्टी जो अभी तक आप निकाला करते थे वो एक्चुअल रॉयल्टी क्वेश्चन ने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। बताइए कितना कितना है। पहले साल में 7000, फिर 10200, फिर क्या बता रहा है 16100, फिर बताइए 13600, 10800 और 9700। सर यहाँ तो कॉलम कम होने चाहिए थे। कोई बात नहीं, लिख लो, आगे देख लेंगे। अच्छा फिर आप ज़रा बताओ यहाँ पे अगला कॉलम क्या आएगा? मिनिमम रेंट। कोई बताएगा इसका एक दूसरा नाम क्या होता है? डेड एंड। आपको नहीं बोलना ये सब बातें, छोटी छोटी बातें। कितना बता रहा मिनिमम रेंट जी? पॉइंट नंबर 2 देखिए 12000, अगले साल भी 12000, फिर कहता है 12000, फिर कहता है 12000। लास्ट के 2 साल में कुछ चेंजेज होंगे। वो चेंजेज क्या होंगे? आप एक काम करना, यहीं पे लिखो वर्किंग नोट्स नंबर 1, जहाँ टेबल ख़त्म हो रहा उसके बाद लिख रहे हैं आप। लिखेंगे आप मिनिमम रेंट फॉर, मैं बात कर रहा हूँ 1998 का, इस साल की बात कर रहा हूँ, है ना बच्चे। 98 में क्या हुआ है? स्ट्राइक, है ना। जरा बताओ पूरे साल का मिनिमम रेंट कितना है? 12000। अब देखो जरा क्या बोलता है पॉइंट नंबर 4 के अंदर में, पढ़ेंगे मेरे साथ 4th पॉइंट। अगर स्ट्राइक होता है तो मिनिमम रेंट वुड बी टेकन प्रो राटा, यानी कि प्रोपोर्शनेटली ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल वर्किंग डेज। इसका मतलब हुआ कि आप जरा बताओ ये जो आपका है ये तो 365 दिन का है ना बच्चे, बोलो ना 365 दिन का है। कहता है कि अगर स्ट्राइक होगा तो जितने दिन आपने काम किया है प्रोपोर्शनेटली उन्हीं दिन का लो आप अपना मिनिमम रेंट। तो जरा बताओ कि ये 365 दिन का, अगर मैं 365 से डिवाइड करूँ तो कितने दिन का आ गया? 1 दिन का। हमें उतने ही दिन का लेना है जितने दिन हमने काम किया। बताओ 365 में से कितने दिन काम नहीं किया? माइनस कर दो 292। बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? कहता कि यार 12000 जो है ना वो तो 365 दिन का है, अगर स्ट्राइक होता है तो जितने दिन काम हुआ है उतने दिन का ही ले लो मिनिमम रेंट आपका। पढ़ो दोबारा उस लाइन को, दोबारा पढ़ेंगे आप 4th पॉइंट। इन द इवेंट ऑफ स्ट्राइक, मिला आपको, अगर स्ट्राइक होता है तो मिनिमम रेंट वुड बी टेकन प्रो राटा ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल वर्किंग डेज, जितने दिन आपने काम किया उसी का प्रो राटा का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनेटली आप ले लो यहाँ पर, ठीक है। तो बताओ कितना आ गया ये? 96। तो रुचि यहाँ पे मिनिमम रेंट आपका कितना हो गया? 9600। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। अब मैं बात करता हूँ वर्किंग नोट्स नंबर 2, क्योंकि यहाँ तो आपका क्या हुआ था? स्ट्राइक हुआ था ना, और 99 में क्या हुआ है? लॉकआउट। ठीक है, इस वर्किंग को मिटा दो। लीजिए मिनिमम रेंट आप लिखेंगे फॉर, इस पर किस ईयर का बात हो रहा है जी? 99 आपको। देखो क्या करूँगा, जरा बताओ ना क्वेश्चन पढ़कर कि इस साल भी मिनिमम रेंट पूरे साल का कितना है? लिख दिया हमने 12000 रुपये। अब पढ़ो जरा वहाँ पे क्या बोलता रहा है 4th पॉइंट
फर्स्ट लाइन बिल्कुल लास्ट में, फोर्थ पॉइंट फर्स्ट लाइन बिल्कुल लास्ट में, बट इन द इवेंट ऑफ लॉकआउट, अगर लॉकआउट होते हैं, लेसी वुड एंजॉय अ कंसेशन, लेसी को एक कंसेशन मिलेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनिमम रेंट, कितना 50% ऑफ द पीरियड ऑफ लॉकआउट्स। लॉकआउट्स के टाइम पे जितने मिनिमम रेंट बनेगा उसका आधा हम क्या करेंगे जी, छोड़ देंगे। मतलब सर ये देखो जरा बताओ, पूरे साल का आपका मिनिमम रेंट कितना है जी, कितने महीने का है, 12 महीने का, 12 से डिवाइड कर दो, कितने महीने का आ गया, एक महीने का। लॉकआउट्स कितने महीने रहे, तो इंटू चार, ये हो गया 4000 रुपये जो पीरियड ऑफ लॉकआउट्स का मिनिमम रेंट आपका, क्या सारा छूट जाएगा, कितना माफी दे रहा है, 50%। तो इसका 50% कहता है कि हम आपको कंसेशन दे देंगे, 12,000 में क्या करना, इस अमाउंट को लेकर आप माइनस कर देना, यानी कि 10,000, ये हो गया आपका चार, आधा 2,000, 12 माइनस दो 10,000 रुपये का। पढ़ लो दोबारा ऑफलाइन को, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार दोबारा पढ़िए, फोर्थ पॉइंट आपका बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे, फर्स्ट लाइन फोर्थ पॉइंट फर्स्ट लाइन बिल्कुल लास्ट में, इन द इवेंट ऑफ लॉकआउट लेसी वुड एंजॉय अ कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनिमम रेंट फॉर द 50% ऑफ द पीरियड ऑफ लॉकआउट्स। लॉकआउट्स के टाइम पे जो आपका मिनिमम रेंट होगा, देखो यहाँ पे लॉकआउट मिनिमम रेंट कितना हो गया, 4000 रुपये, उसका 50% कंसेशन मिल जाएगा आपको, मतलब माफ़ कर दूंगा, तो 50 की माफ़ी, तो 12 में 2 की माफ़ी मिल गया, तो फिर कितना रहा, 10,000 रुपये का अमाउंट आपका, यानी कि 99 में विल राइट हेयर कितना मेरे बच्चे, 10,000 का अमाउंट। खत्म होगी बात, लैंग्वेज था कुछ दम तो नहीं था इसके अंदर में। अब मैं यहाँ निकाल सकता हूँ रॉयल्टी पेबल, रॉयल्टी पेबल आपका, ठीक है ना। तो जरा मैं काम करूँ, जगह मुझे चाहिए अभी एंट्री दिखाने के लिए कुछ आपका, तो मैं इसको छोटा लिखता हूँ, रॉयल्टी पेबल। जरा देखो ना, आप बताओ पेबल क्या होगा, इन दोनों में हायर कितना हो गया आपका, 12,000, यहाँ बताइए अगेन 12,000, यहाँ बताइए 16,100, यहाँ बताओ 13,600, और यहाँ बताइए 10,800, और यहाँ पे 10,000, कोई डाउट इसके अंदर में, नहीं सर, मैं ये वर्किंग मिटा देता हूँ, ठीक है ना। नाउ विल फाइंड आउट शॉर्ट वर्किंग, यहाँ देखो है ना, शॉर्ट वर्किंग कितना बच्चे, 5,000 है ना, ये 5,000, यहाँ बताइए 1,800, यहाँ बताओ कुछ भी नहीं, यहाँ बताओ कुछ भी नहीं, यहाँ बताओ कुछ नहीं, यहाँ पे है 300 का, ठीक है। नाउ विल टेक कॉलम रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट का आपका, ठीक है ना। पहले बताओ रिक्रूटमेंट कितने साल तक अलाउड है, 3 साल, और एक साल में टू द मैक्सिमम कितना, 2,500 रुपये, ये दो लिमिट हमें ध्यान में रखने हैं आपने। अब देखो मैं कैसे करूँगा, कितना पेशेंस वाइज काम करना पड़ता है। पहले इस 5 के लिए रखा, कितने साल देखने हमने, 3, तो 1 साल, 2 साल, 3, ये एरो एग्जाम में नहीं दिखाना, ये आपके लिए बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। 3 साल तक का समय है, जरा बताओ क्या यहाँ कुछ रिक्रूटमेंट हो पाएगा, नहीं सर, क्योंकि यहाँ खुद आपका शॉर्ट वर्किंग निकल के आ रहा है। एक बार चेक करो यहाँ पे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हो जाए कितना, रुको रुको यहाँ देखो, रिक्रूटमेंट तभी होगा अगर मिनिमम रेंट से ज़्यादा आपका एक्चुअल होता है, कितना ज़्यादा है, 4,100, है ना बच्चे, 4,100 तक का रिक्रूटमेंट हो सकता था, बट एक अलग लिमिट है, वो कहता है कि एक साल में टू द मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2,500, तो ऐसे तो 41 कर सकता था, बट कंडीशन के मुताबिक विल राइट यहाँ पे 25 ओनली, कोई डाउट इसके अंदर में, बोलो ना, ठीक है जी। अच्छा आप मुझे बताओ इसका तीसरा साल यहाँ पे आएगा, तो जरा चेक करो यहाँ टू द मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1,600 रुपये, 1,600, तो पूरा हो जाएगा जी, क्योंकि हमें भी चाहिए कितना, 2,500 और चाहिए ना, बट 1,600 ही हो सकता है, तो विल राइट यहाँ पे 1,600 रुपये का अमाउंट। ओहो 5,000 में जरा बताओ कितना रिक्रूटमेंट हो पाया टोटल आपका, 4,100 आपका, है ना बच्चे, रुको जरा ध्यान से रुको, अभी यहाँ पे ये क्लियर यहाँ तक आपका, तो 5,000 में से 4,100 तो रिकूप हो चुका, बच गया कितना, 900। पिछले वाले क्वेश्चन में उस 900 रुपये को वी हैड ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बट इन दिस क्वेश्चन देयर इज सेंट्रल गवर्नमेंट वाज गिविंग कैश सब्सिडी, गवर्नमेंट कहते नहीं जी जितना बच जाएगा ना उसका भी हम कितना आपको दे देंगे, 25%,
ये क्वेश्चन बोल रहा है ना, तो पता मैं क्या करूंगा, फिर मैं यहां पे एक कॉलम बनाऊंगा बैलेंस का, बैलेंस जिसको बोलेंगे अनरिकुपरेबल अमाउंट, जो अभी तक आपका रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया। कितना बच गया बच्चे 5000 में से, ज़्यादा बताइए, 900 रुपये का अमाउंट है ना। बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर में टेबल के ऊपर में, कितना स्पेस छोड़ना है, कितना, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। 900 रुपये याद है पिछले वाले में क्या किया था, ये क्या लिखा था, ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बट क्योंकि यहाँ पे हमें कैश सब्सिडी मिल रहा है, कैश सब्सिडी कितना मिल रहा है जी, कितना परसेंट, तो ये देखिए इस 900 रुपये का 25% यानी कि 225 रुपये गवर्नमेंट ने हमें कैश दे दिया होगा। बोला कोई बात नहीं जी, इतना हम भरपाई करते हैं आपका। तो मुझे बताओ ना, 900 रुपये में इतना गवर्नमेंट ने दिया तो बाकी क्या हो गया, अब वो लॉस रहा जो जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, समझे मेरी बात। तो अब जो होगा बच्चे, दैट विल बी हेयर कॉल्ड ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और विल राइट 900 माइनस 225, 675, क्लियर है ना यहाँ पे। तो ये हमने काम क्या किया कि ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है। क्या 5000 के बारे में दोबारा सोचोगे आप? नहीं सर, हो गया, अब नहीं सोच सकता क्योंकि जितना था खत्म हो चुका, इसके बारे में सोचना होगा। लेकिन इसके लिए भी 3 साल सोचने हैं, लेकिन समझो ना उस 3 साल में अब मैं यहाँ नहीं सोच सकता क्योंकि यहाँ लिमिट पूरा हो चुका है, यहाँ भी नहीं सोच सकता क्योंकि जितना होना था वो हो चुका आपका। तो सोचना कहाँ है, सिर्फ यहाँ पे, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो आप बताओ 1800 में से यहाँ कितना हो पाएगा, ये देखो आप 1200 रुपये है ना बच्चे, अरे 96 हो रही है, कितना 1200 का हो सकता आपका। तो 1200 का रिक्रूटमेंट अलाउड है, करना कितना था 1800, तो बताओ 1800 में से यहाँ पे कितना हो पाया, 1200 ये हो पाया ना आपका। अच्छा तो जरा बताओ बैलेंस कितना बच गया, 600, क्योंकि 3 साल खत्म हो चुका है। 600 में सब्सिडी में कितना मिल जाएगा, 150, तो ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट 450। ये वर्किंग समझ में आ गया ना, क्या लिख दूं मैं यहाँ भी, सेम चीज़ आपका है ना। अच्छा कुछ और बातें करनी है, नहीं सर ये तो बातें हो चुकी हमारी। एट लास्ट देयर इज कॉलम कॉल्ड रॉयल्टी पेड, आओ देखते हैं यहाँ क्या निकल के आता है, मेरी बात सुनो, नज़र यहाँ डालें, नज़र यहाँ। आप बताओ जो पेबल है, ये देखो आप पेबल और रिक्रूटमेंट वाला कौन सा था, ये बस ये दो कॉलम देखने होते हैं। 12000 में रिक्रूटमेंट कितना हुआ, कुछ नहीं, तो पे कितना करूँगा पूरे 12000। आप बताओ इस 12000 में रिक्रूटमेंट कितना हुआ, कुछ नहीं, तो पे कितना करूँगा पूरे 12000। यहाँ चेक करो 16-1 में रिक्रूटमेंट कितना हुआ 25, तो पे कितना करूँगा 13600, ठीक है। यहाँ देखिए 13600 में रिक्रूटमेंट कितना हुआ 1600, तो पे कितना करूँगा बच्चे 12000, क्लियर है यहाँ तक। 10800 में रिक्रूटमेंट हुआ 1200, तो पे कितना करूँगा 9600 रुपये का अमाउंट। और देखो ना यहाँ पे 10000 रुपये में कुछ रिक्रूटमेंट हुआ, नहीं सर तो कितना पे करूँगा पूरे 10000, है ना। इसके लिए भी अब 3 साल देखा जाएगा, तो 3 साल का फिगर हमारे पास नहीं है, हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। आए बस समझ में क्या बता रहा हूँ आपका। तो इस तरीके से हमने काम पूरा किया आपका। जरा मुझे बताओ कि क्या एंट्रीज करते समय 94, 95, 96 कोई दिक्कत आएगी, नहीं आएगी, सेम एंट्री, चेंजेस कहाँ आ रहे हैं 97। तो इसकी एंट्री मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो घर में पता क्या करेंगे, इसका अकाउंट बना के देखेंगे, पूरी एंट्री करेंगे आप, अकाउंट बना के देखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आपको आएगा। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे किस साल की एंट्री दिखा रहा हूँ, 97, तो 97 का मैं दिखाऊंगा, 98 का आपको करना होगा, ठीक है ना। चलो मैं इसको मिटा के थोड़ा जगह बनाऊंगा, इसको मिटा दूं मैं। लिखिए आप जनरल एंट्रीज, एक काम करो जनरल एंट्रीज के अंदर में आपने 94, 95 और 96 तीन साल का जगह पूरा छोड़े, आप जितना जगह पिछले क्वेश्चन में यूज हुआ था उसके हिसाब से वो घर में आपको फिल करना है। 3 साल की एंट्री बिल्कुल सेम जाएंगे, कहीं कोई चेंज नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कौन सी ईयर की एंट्री, 97 का, 3 साल का प्रॉपर जगह छोड़ेंगे, घर को फिल, घर में फिल करना उसको, 97 की एंट्री दिखाता हूँ। बताइए 97 में रॉयल्टी कितना बना, ये देखो आप रॉयल्टी 13600,
है ना बच्चे, और पे कितना करना है, 6300 ही ना, क्या नाम है इस बार इस क्वेश्चन में, किसको पे करना है, गुंडवाना था ना, हाँ जी गुंडवाना कंपनी को आपका, तो टू गुंडवाना लिमिटेड 13,600, क्लियर। ये हो गया आपका बीइंग रॉयल्टी पेबल, ठीक है। 97 में ये पहली एंट्री हो गई, 97 में अगली एंट्री, जरा चेक करो यहाँ पे कि 13,600 पे करना था, ठीक है पेबल हो गया जी आपका। अब पे करने की एंट्री कर रहा हूँ, तो इसको हटाऊँ, तो हमने क्या करना है, गुंडवाना लिमिटेड अकाउंट डेबिट कीजिए 13,600, ठीक है बच्चों डेबिट हो गया, बोलो ना। अच्छा जरा बताओ टू बैंक पेमेंट कितना हो रहा है, 12,000 रुपये आपका पे करने की एंट्री कर रहा हूँ, 12,000। और हमने रिक्विपमेंट कितना करा दिया, 1600 ना, रिक्विपमेंट आपका 1600 रुपये का अमाउंट, तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, टू शॉर्ट वर्किंग आपने एंट्री कंप्लीट किया यहाँ पर, ठीक है जी। तो लिख दो नेशन आपका बीइंग रॉयल्टी पेड, इसमें कुछ नया थोड़ा ही है एंट्री में, ठीक है थर्ड एंट्री में आऊँगा, थर्ड एंट्री में हो गया सबका यहाँ तक। ये रॉयल्टी कहाँ जाएगा बच्चे, तो थर्ड एंट्री विल डेबिट प्रोडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू रॉयल्टी, अमाउंट बताइए 13,600, ये भी एंट्री हो गया, थर्ड एंट्री कंप्लीट। बोलो ना फोर्थ एंट्री पे आ रहा हूँ, ध्यान से रुको जरा रुको, पता है फोर्थ एंट्री में क्या करने वाला हूँ, 97 में याद है पिछले वाले क्वेश्चन में ये 900 रुपये कहाँ चला गया था, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। इस बार क्या होगा कि आप बताओ 900 रुपये में गवर्नमेंट आपको कितना दे रही है, तो कैश में गेटिंग ना, तो 225 से विल डेबिट कैश और बैंक डेबिट कर दो आप 225 रुपये, ठीक है बच्चे। लॉस कितना फिर हुआ आपको 675, ये 675 ही कहाँ डेबिट किया जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 675। अभी तक हम लोग क्या करते थे कि पूरे 900 रुपये का अमाउंट कहाँ जाता था, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, क्योंकि इस क्वेश्चन में गवर्नमेंट आपको 225 रुपये दे रही है, तो हमने 225 रुपये ले लेना, बाकी लॉस ही तो हुआ जी आपका यहाँ पे। एंड टू शॉर्ट वर्किंग कितना बड़े बच्चे 900 रुपये का, ये हमारा एंट्री हो गया बीइंग लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, खत्म होगी बात आपका, कुछ नया नहीं, सिर्फ हमने क्या किया इस 900 रुपये को जो बोला करते थे प्रॉफिट लॉस टू शॉर्ट वर्किंग, अब वहाँ पे कुछ बैंक में भी पैसा में मिल गया आपका, ये आपका निकल के आएगा, कोई डाउट इसके अंदर में आपका। कौन से ईयर की बात की हमने, 97। अब देखो अच्छा लगेगा अगर अभी आप 98 मेरे साथ कर लो, कीजिए आप पहले एंट्री 98 की एंट्री करें आप, इसको देखते हुए 98 की एंट्री करेंगे, हो गया इनको ये एंट्री मिटा दूं मैं, ये मिटा दूं मैं, एंट्री हो चुका है तो इसको मैं मिटा देता हूं, 98 की एंट्री आप दिखाएं, मुझे पता है आप में से हर एक बच्चा कर जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस वाइज आपको बातें समझ के लिखनी होंगी।
हो गया, हो गया बच्चों, चेक किया जाए एक बार आपने सही किया गलत किया। देखिए आप मेरे साथ किस ईयर की बात करें हम लोग, 98। चेक करो रॉयल्टी कितना बना, रॉयल्टी डेबिट कितना सा बना था आपका, 10,800, तो विल डेबिट 10,800 रुपये एन टू गोंडवाना लिमिटेड, कितने मेरे बच्चे 10,800। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। नरेशन लिखता, नरेशन बताओ आपको, अगली एंट्री में ना विल मेक एंट्री फॉर पेमेंट टू गोंडवाना, तो विल डेबिट नाउ गोंडवाना लिमिटेड 10,800 टू बैंक। क्या कुछ रिक्रूटमेंट हुआ था इस बार सर? हाँ, कितना रिक्रूटमेंट हुआ था? 1200, तो टू शॉर्ट वर्किंग। बताओ रिक्रूटमेंट कितना हुआ? 1200, तो पे कितना किया हमने? क्या 9600 का पेमेंट कहीं टेबल में दिख रहा है सर? हाँ, ये तो हमेशा दिखेगा यहाँ पे आपका, ठीक है। थर्ड एंट्री में व्हाट विल डू, विल डेबिट प्रोडक्शन टू, अच्छा बताओ प्रोडक्शन के ऊपर और क्या लिख सकता था मैं, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग, और क्या लिख सकता था, प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस कॉस्टिंग में आपको पढ़ाया जाएगा, कॉस्टिंग में आपका सब वहीं से नाम आते हैं। रॉयल्टी कितना अमाउंट हो गया आपका? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कोई भी नाम दिखे तो आप विचलित नहीं होना, आपको सब कुछ बताए, वही चीज़ें बार बार अलग नाम से लिख रहा है। नाउ द लास्ट एंट्री जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, पता है अभी तक हम क्या करते थे, ये 600 रुपये कहाँ जाता था, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, अब क्या होगा जी, तो कैश विच वी हैव रिसीव विल डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि बैंक कितना आपका 150, तो लॉसेज फाइनली वी हैव सफर्ड हाउ मच, कितना आपका 450 एंड टू शॉर्ट वर्किंग आपका यहाँ पे। लो एंट्री कंप्लीट हो गया है ना बच्चे, यही हुआ ना आपका, किसी गलत कोई एंट्री, सबका ठीक है, ठीक है। तो आज ना हम बच्चे यही बात करेंगे, अब इसके आगे आज नहीं बढ़ेंगे। आपका होमवर्क में क्या रहा, इस क्वेश्चन का आपको एंट्री पूरा कंप्लीट करना है और आपको लेजर बनाने हैं। लेजर अगर आपको डायरेक्टली नहीं बनता तो कोई बात नहीं, एंट्री देख कर बनाएं आप, अगर नहीं तो फिर आपका डायरेक्टली बना सकते हैं ना। अभी बुक के किसी भी अगले क्वेश्चन को आपने टच नहीं करना, क्योंकि अभी मेन कॉन्सेप्ट जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ना बच्चे अभी बचा हुआ है, लेकिन आप सबसे अगली क्लास में रिविजन करके ही आपको आना है। तब तक आप सबको बाय बाय टाटा बच्चे, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, थैंक यू जी।